संजीव जी, आप सबके चरणों में नमन करके मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ज़्यादा इंट्रोडक्शन एंड फॉर्मेलिटीज़ में हम नहीं जाएंगे, और बड़ी बात यह है कि अशोक जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, क्योंकि जब ये बोल रहे थे ना तो मैं सोच रहा था ये तो मैं बोलने वाला था, तुम मतलब क्या यार मेरे लिए कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे। रीजन क्या है, सच किसी के भी जबान से आए, कोई भी बोल रहा हो वो एक ही होता है, और सच की एक खासियत होती है कि वो वैज्ञानिक होता है। जब हम बात कर रहे थे विज्ञान क्या है, उस पर मुझे ध्यान आ रहा था विज्ञान सच है, सच्चाई ही विज्ञान है, और जो चीज सबका भला करे वही सच है और वही विज्ञान है। अगर उससे किसी एक भी व्यक्ति का, जीव का, किसी एक भी किसी कारण से किसी भाग का, प्रकृति के किसी हिस्से का अगर नुकसान होता है, वो सच और विज्ञान नहीं हो सकता। एक ये बात हमको हमेशा ध्यान रखनी है। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, यदि हम समाज के अंदर कुछ करना चाहते हैं, तो वो ये है कि वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। जैसे एक गांव किस लिए, क्योंकि उसकी परिभाषा संजीव जी ने आपको पहले दे दी कि गांव हमारा 36 बिरादरियों से बनता था। यानी जब हम समाज कहेंगे तो मतलब समाज का छोटा अंग हमारा गांव है, और जब हम अपने गांव को पूरा गांव जरूरत पड़ती थी। यही कारण है कि यदि आपने कभी अपने पुरखों की जबान को ध्यान से सुना हो, मैं गुजरात में रहा नहीं, मुझे गुजरात की विरासत के बारे में इतना ज्ञान नहीं, पर मुझे इस बात की गारंटी है कि हमारे पुरखे सब एक ही थ्योरी से और एक ही सिद्धांत से चलते होंगे, और वो सिद्धांत ये है कि बच्चे सबके साझे होते हैं। हमारे हरियाणवी में तो ये बोला जाता है, तो बच्चे तो सबके होते हैं भाई, सबके साझले होते हैं। और दूसरी बात यह होती है जो बड़ों के लिए, कि मेरे पिताजी के बारे में जब मेरे दादाजी बोला करते थे, क्योंकि पड़ोस का कोई आदमी आ गया, दूसरे गांव का कोई आदमी आ गया, और मैंने नमस्ते किया, दादाजी नमस्ते, और उन्होंने पूछा कि ये कौन से का है, मतलब चार भाई थे मेरे पापा और ही, तो और मेरे पिताजी का नाम जो है वो श्री नफे सिंह है। तो मेरे जो दादाजी बोलते थे उनकी जो भाषा होती थी वो ये थी कि ये नफे के नाम का है। शायद आपके यहां भी कुछ ऐसी ही टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल हुआ होता होगा, जिसमें वो ये नहीं कहते थे कि ये नफे का है, वो कहते थे नफे के नाम का है। और फिर हमारे जब मैंने अपनी दादी की जबान से जब कुछ बातें सुनी थी, उन बातों को किन्होंने मतलब जिनकी बात अशोक जी बता रहे थे, जो षड्यंत्रकारी थे जिन्होंने हमको ये एजुकेशन सिस्टम दिया, उन्होंने मतलब उनकी बात कह रहा हूं मैं, उन्होंने उन बातों को इतने गलत तरीके से पेश किया कि आप सोच नहीं सकते। कैसे, मेरी दादी के बाद मेरी मां बोला करती थी कि तेरे पापा को तो तुम्हें उठाने में भी शर्म आती थी, तेरे पापा तुझे गोदी में नहीं उठाते थे। तो मैंने बोला क्या मेरे पापा किसी के बच्चे को नहीं उठाते थे, कहते ना बाकी तो तीनों के बच्चों को उठाते थे। अच्छा तो फिर जो दूसरे वाले नंबर पर चाचा हैं वो, कहता वो अपने वाले को नहीं उठाते थे, तो बाकी तीनों को मेरे को भी उठाते थे। कहता हाँ तो मेरे वाला कोटा तीन जगह से पूरा होता था, तो मुझे एक ही की जरूरत क्यों है। अब मुझे समझ में आ रहा है जब मैं उस चीज को पढ़ रहा हूं, जब मैं अपनी भारतीयता को देख रहा हूं, कि उन्होंने कल्चर ऐसा बनाया था कि मेरा पिता सिर्फ मुझे ही छोड़ करके कि कोई बात नहीं तुझे संभालने वाले तो तीन और हैं, मैं दूसरे बच्चे को देखता हूं। तो मतलब एक फीलिंग ना रहे कि मैं सिर्फ इन्हीं का हूं, इसलिए उन लोगों ने ऐसा कल्चर डेवलप किया। अब इसके अंदर पूरा पेरेंटिंग छुपा हुआ है, पूरी साइंस छुपी हुई है, और जब तक ये स्ट्रक्चर बना रहेगा समाज का, तब तक इनका समाज टूट नहीं सकता, तब तक आपके प्रोडक्ट बिक नहीं सकते। अब टेलीविजन जो है वो पूरा मोहल्ला एक देख लेगा, तो उनके टेलीविजन कैसे बिकेंगे। तो पहले मोहल्ले को लड़वाना पड़ेगा ताकि सब अपने अपने घरों में घुसें, तो सबके घर में टीवी तो तब आएगा ना। और घर का एक एक आदमी जब लड़के अपने अपने कमरे में घुसना स्टार्ट कर देगा, तो एक ही घर में चार टीवी तब बिकेंगे ना।
एक ही घर में चार टीवी, चार रेडियो, चार मोबाइल, चार पंखे, चार एसी, चार कूलर, चार सब कुछ, चार चार भाई हैं तो चार चार तो तभी बिकेंगे, या तो वो चारों लड़ रहे होंगे या वो चारों अलग अलग रह रहे होंगे। इट वॉज अ डिजाइंड स्ट्रक्चर जिसने बर्बाद किया, और उन्होंने किराए पर लिया हमारे ही लोगों को, मतलब चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई पुलिस वाला है, चाहे कोई नर्स है, चाहे कोई आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे कोई आशा वर्कर है, चाहे स्कूल टीचर है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे प्राइवेट स्कूल का ऑनर है, सब ने उनके स्ट्रक्चर को ही स्ट्रेंथन किया। वो कभी नहीं सोच पाए कि हमको भारतीयता को स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि जब मेरी क्लास के बच्चे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मेरे स्कूल का नाम होगा और मैं बच्चों की भलाई करूंगा। वो असली में वो ये नहीं सोच रहे थे। जब कोरोना के टाइम पर बाहर निकले हुए आदमियों को पुलिस वाला जब डंडे मार रहा था, वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं इनको दुखी कर रहा हूं, वो ये सोच रहा था मैं इनकी जान बचा रहा हूं असल में। तो इसी तरह से जब वो बच्चों को जब सातवीं क्लास में आठवीं का सिलेबस पढ़ा रहा था स्कूल का टीचर बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते टाइम, सातवीं में भी आठवीं का, आठवीं में भी आठवीं का, तो वो असल में ये सोच रहा था कि मैं इस बच्चे का भला कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा करने से उसको एडमिशन अच्छे स्कूल में मिल रहा था, अच्छे कॉलेज में मिल रहा था, और फिर उसके बाद अच्छा पैकेज मिल रहा था। तो एजुकेशन का मतलब पैकेज जब जिस दिन से होने लगा तब से एजुकेशन ही पैकेज हो गई, और उसके बाद हमारा बच्चा ही पैकेज हो गया। अब जिस बच्चे को हम प्रेम के लिए वश में होकर पालते थे, हमारा कर्तव्य समझकर पालते थे, अब हम अपनी इन्वेस्टमेंट समझकर पालने लगे, और जिस बच्चे के जितने मार्क्स आएंगे उतना बढ़िया पैकेज होगा, वैसी ही शादी होगी, वैसे ही अगले ससुराल वाले मिलेंगे, और वैसा ही घर बना पाएगा, वैसी जगह रहेगा। उन चीज़ों की कैलकुलेशन में माँ बाप ने अपने बच्चों के साथ जो रिश्ते थे वो पूरी तरह से बिगाड़ लिए, और सिचुएशन ये आ गई कि आज ना तो किसी टीचर का किसी बच्चे के साथ रिश्ता बचा है, ना किसी बच्चे का उसके माँ बाप के साथ बचा है, ना अपने साथ बचा है, ना अपने साथियों के साथ बचा है, ना पड़ोस के साथ, ना समाज के साथ, ना ही किसी और चीज के साथ। एंड यू विल फाइंड एवरी चाइल्ड एज एन आइसोलेटेड आइटम। वो इस तरह से आइसोलेट होकर के खड़ा हो गया कि हमको समझ ही नहीं आ रहा अब हम कहां जाएं। आज की जो सिचुएशन है, किसी भी स्कूल टीचर को पूछ लीजिए, आपको एक ही जवाब मिलेगा कि हालत तो बुरी है, पता भी है, क्यों हुई यह भी पता है, तो ठीक क्यों नहीं हो रहा। ये बस आखिरी वाली लाइन पर आंसर नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप किसी से पूछेंगे, मैं आप सबसे पूछूंगा ना अगर, क्योंकि मुझे इसे सवाल पूछते हुए लगभग 22-23 साल हो गए, यही सवाल पूछते हुए, कि अगर आपको मालूम है कि यह चीज ऐसे खराब हुई है तो ठीक काहे नहीं कर लेते हो, और अगर आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, आपको भी पता है, तो हम ठीक करने की दिशा में क्यों नहीं चल रहे। तो ऐसा लगता है कि जैसे हमें मालूम तो है और मैं तो तैयार हूं, बट ये लोग तैयार नहीं है बाकी के, तो मैं अकेला कैसे बदलूंगा। ये जो फीलिंग है ना, ये जब मैं देखता हूं कि हर आदमी को वो चाहता है ठीक करना माहौल, और फिर मुझे एक बात समझ में आई, पता नहीं ये शायद चाणक्य ने कही होगी, कि प्रलय और सृजन जो है वो शिक्षक के हाथ में होता है। और एक लाइन पता नहीं मैंने कहीं से सुनी थी कि मैंने अपनी बना ली, मतलब ये मुझे कहीं दोबारा दिखी नहीं, लेकिन मैंने बहुत टाइम पहले अपने किसी बात में बोली थी कि किसी भी टीचर को, अगर असली टीचर है ना, उसे बगावती होना पड़ेगा, उसे बगावती ही होना चाहिए असल में टीचर का मतलब ही, क्योंकि व्यवस्थाएं जो हैं वो आदमी को, जनता को, लोगों को, बच्चों को कंट्रोल करने की दिशा में काम करेंगी, और एक शिक्षक ही है जो उसको आजाद करवा सकता है, क्योंकि विद्या तो आपको विमुक्त करती है ना, विद्या वही है जो आजादी सिखाए, और आजादी मतलब आपको बगावत करनी पड़ेगी, और वो बगावत आपको टीचर ही सिखाएगा। तो टीचर बगावती होगा तो ही तो बगावत सिखाएगा, बगावत देखो सबसे बगावत नहीं, गलत चीज से बगावत, गलत उसके पिता कर रहे हो, गलत उसका शिक्षक कर रहा हो, गलत उसके समाज में उसके बड़े कर रहे हो। मैं इस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं
कि बच्चे को आदर्श पुत्र आदर्श विद्यार्थी होना चाहिए, लेकिन केवल तब जब उसके माता पिता आदर्श हो और उसका शिक्षक आदर्श हो। यदि उसका शिक्षक आदर्श नहीं है तो बच्चे को सवाल उठाना चाहिए कि मेरा शिक्षक ये गलती कर रहा है, और ये विजडम तब आएगा जब उसका शिक्षक ही उसको ये विजडम देगा गलत और सही का। और इसमें बहुत बड़ा रोल माँ बाप का रहता है, क्योंकि जब हम सोशल चेंज की बात करते हैं, जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, तो जैसे अशोक भाई बोल रहे थे कि मैं केवल एजुकेशन की बात करूंगा, सोशल रिफॉर्म्स पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और जो आंदोलन होंगे उस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, मैं गारंटी करता हूं आप अपने स्कूल में और इस स्कूल में और इस स्कूल में जितना मर्जी जोर लगाते रहिए, अगर आपने उनके मां बाप पर काम नहीं किया तो आप उस बच्चे के अंदर वो चेंज परमानेंट नहीं कर सकते। यू हैव टू वर्क ऑन देम ऑल्सो, क्योंकि पेरेंटिंग एंड एजुकेशन एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों जब तक दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे तब तक संभावनाएं शून्य हैं। और मां बाप को टीचर के साथ, स्कूल के साथ, सिस्टम के साथ सामंजस्य में काम करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी चीज उसके बच्चे की आजादी के बीच में आएगी उस मां बाप को उससे लड़ना पड़ेगा। और वो लड़ना कौन सिखाएगा? वो भी उसे लड़ना तभी सिखाएगा जब उसके शिक्षक ने उसे लड़ना सिखाया होगा। मतलब अल्टीमेटली ये एक ऐसा साइकिल है जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और ऐसे एक फिर से एक पहले पर आ जाएगा। और हम इस साइकिल को पूरा करेंगे तो ही कुछ बात बन सकती है। इस दिशा में काम करते हुए जब मैं शुरुआत की मैंने माँ बाप के साथ कि आपका बच्चा ना पढ़ने के लिए नहीं बना है, अपनी बातचीत में अशोक जी ने भी बोल दी बहुत सारी बातें तो मैं वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात मैं आपको थोड़ी कैलकुलेशन बेस बता देता हूं। इन्होंने एक बात बोली थी, फिर 20% पे ही काम क्यों करना, याद है ना आपको एक लाइन वो। और ये आंकड़ा लगभग वही आएगा, 10-15% बच्चा हमारा पढ़ने के लिए बना है पूरी सोसाइटी में, कहीं भी चले जाओ। अब 10-15% बचा तो बाकी का 85-90% किस काम के लिए बना है? कि जो उस 10-15% वाले ने पढ़ा, सीखा, डिडक्ट किया, नई रिसर्च थ्योरीज बनाई, उसके बेसिस पर नया कैलकुलेशन करके नया कुछ बनाया, उसका प्रैक्टिकल करके समाज में इंप्लीमेंट करने के लिए बाकी 85% है असलियत में। तो हो क्या रहा है यहां? यहां हम सबको अच्छा बच्चा किसको बोला जाता है मालूम है? अच्छा बच्चा उसे बोला जाता है जो जैसा खाए बिना हजम करे वैसा ही उल्टे निकाल दे। मतलब असल मैं इसको अगर प्रैक्टिकल थोड़ा सा एग्जांपल देखूं, जिसका हाजमा हल्का सा भी ठीक है ही इज नॉट ए गुड चाइल्ड। जिसने अगर हजम कर लिया और उसने कुछ और निकाल दिया बाहर तो मैम मार्क्स नहीं देगी, और मार्क्स नहीं मिलेंगे तो एडमिशन नहीं मिलेगा, एडमिशन नहीं मिलेगा तो पैकेज नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल। और यही है बस आपके अच्छे और बुरे होने की डेफिनेशन। जब वो 3 साल का है, 4 साल का है, तो एक आदमी घर में नहीं मिल रहा है जो उसके बारे में कोई बुरी बात कह सके कि उसकी बुराइयों की लिस्ट बनाओ जरा। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है वैसे वैसे बुराइयों की लिस्ट बढ़ती रहती है और अच्छाइयों वाली घटती रहती है। और 12वीं के बाद तो मुझे लगता है माँ बाप से पूछो कि आपका बच्चे में खासियत क्या है, उसकी खासियत ही उसकी बुराई बन जाती है, मतलब उसकी कमी बन जाती है, और कुछ भी नहीं बचता उस बच्चे के अंदर। अब एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, ज्यादा नहीं, बाकी आप सारे समझदार लोग हैं। 40 बच्चों की एक क्लास का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर हमारा बच्चा 4th नंबर पर आता है तो स्कूल टीचर का कोई और डायलॉग अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, वरना मैं पेरेंट टीचर मीटिंग में जब जाता हूं तो मैं स्कूल के टीचर का डायलॉग देखता हूं, ही हैज पोटेंशियल, ही कैन डू बेटर, बेटा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट किया करो, तुम बोलते बहुत हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, अब थोड़ा और टाइम लगाइए,
यू कैन डू। और कोई डायलॉग? ये ओवर द टाइम मैंने महसूस किया अपने बच्चे की क्लास में कि क्लास टीचर्स तीसरी क्लास के बच्चे को भी यही बोल रही है, टेंथ क्लास के बच्चे को भी बोल रही है, और सबको यही बोल रही है, सबको। कैन यू इमेजिन? सबको, जो पहले नंबर पर आया है ना बच्चा, फर्स्ट है जो क्लास में, उसको भी बोल रही है तेरे 2 मार्क कट गए बेटा, यू कैन डू बेटर। एंड देन आई थॉट कि 40 के 40, अगर जो फर्स्ट आ रहा है ना, उसकी मम्मी को क्या टेंशन है पता है? मुझको 2 टेंशन है बड़ी, कि अगली बार भी ये फर्स्ट ना आया तो, और दूसरी टेंशन है जब बच्चा घर आके मम्मी को बताता है, मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया, तो कैन यू इमेजिन मम्मा का क्या जवाब होता होगा? चारों सेक्शनों में कौन फर्स्ट आया है ना, चारों सेक्शंस में कौन फर्स्ट आया, फिर अगर वो बोर्ड की क्लास है तो डिस्ट्रिक्ट में कौन फर्स्ट आया, स्टेट में कौन फर्स्ट आया। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि जिस बच्चे ने अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी, अपने पूरे एडोलसेंट पीरियड में सिर्फ ये महसूस किया हो कि तुम्हारे ऊपर जितना इन्वेस्ट तुम्हारे माँ बाप ने किया है और जितना सेक्रीफाइस तुम्हारे माँ बाप ने किया है, उस हिसाब से तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, उस हिसाब से तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो। जिस बच्चे ने पूरा जिंदगी ये महसूस किया हो, कैन यू इमेजिन कि वो बड़ा होकर के समाज के लिए कुछ भी करने का उसका जी करेगा, कुछ भी। नंबर 2, उसके मां बाप ने और उसके टीचर ने उसे हर कदम नीचा दिखाया, हर कदम, मतलब उसको यह एहसास दिलाया कि जितना भी तुमने किया है वो एनफ नहीं है। हर बच्चे को, मतलब आप एक पार्ट पे कर रहा है बच्चा, दूसरे पार्ट पे नीचा दिखाया जाएगा, दूसरे पे भी कर रहा है तो तीसरा ढूंढ के लाएगा, 10 जगह वो अच्छा करने की कोशिश करेगा तो 11वां निकाल के लाएगा उसका पापा, कुछ ना कुछ लाएगा। उसके पापा को लगता है मैं इसे इंप्रूव करने के लिए ऐसा कर रहा हूं, मम्मी लेकिन बात यह है कि हम जब उसे यह एहसास दिला रहे हैं ना कि तुमने सफिशियंट मेहनत नहीं की है, और जब उसे हमने यह भी एहसास दिला रहा है, ध्यान दीजिएगा, मां बाप अपने बच्चे को लगातार यह कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, हमको इतनी फैसिलिटी मिल जाती तो पता नहीं क्या होता, हम ये जो कर रहे हैं ये सब तुम्हारा ही है। ये जो डायलॉग्स है ना, ये उसको एहसास दिलाते हैं कि मेरे लिए अगर किसी ने किया है तो ये लोग हैं 2 बस, एक मेरी मम्मी और एक मेरा पापा, और जो मैं बना हूं बड़ा होकर वो मैं अपने दम पर बना हूं, और यही कारण है कि जब वो बड़ा होकर के चाहे किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर बन जाए, चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो DC डेप्यूटी कलेक्टर बन जाए, या वो कोई और बड़ा मंत्री बन जाए, वो कभी समाज के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि उसको ये फीलिंग ही नहीं है कि मेरे अपब्रिंगिंग में समाज ने कुछ किया है, उसको ये महसूस ही नहीं होता, इसलिए वो कभी नहीं सोचता कि जो इमीडिएट मेरा पार्ट, जहां से मेरे को पोषण मिला है, जिस जमीन से मुझे पोषण मिला है, मैं उस मिट्टी के लिए कुछ करूं, उस जमीन के लिए कुछ करूं, और ये हमारा फेलियर है, मैं समझता हूं एज अ सोसाइटी ये हमारा कलेक्टिव फेलियर है, और वंस वी रियलाइज इट्स अ कलेक्टिव फेलियर, ओनली एंड ओनली देन वी कैन मेक एन एफर्ट टू रेक्टिफाई दिस फेलियर, क्योंकि इसको अगर ठीक करना है उसके लिए पहले हमको अपने दिमाग में एक बात माननी पड़ेगी, हम गलत हैं, हम गलत चल रहे हैं। एंड इमेजिन गाड़ी में कहीं गलत जा रहे हैं और 20 किलोमीटर जाने के बाद अचानक से क्लिक किया और साथ में पूछे बैठेंगे संजीव भाई गलत तो नहीं आ गए, तो संजीव भाई खिड़की अगर उतार के गाड़ी की और साइड वाले से पूछ लें सड़क पे चलते हुए कि भाई हमें जरा अहमदाबाद की तरफ जाना था या कहीं जाना था, वो बोले कि भाई तुम तो गलत रास्ते आ गए, तुम्हें पीछे वाले मोड़ से और पीछे जाना था, तब आप मुझे एक सवाल बता दीजिए कि हम आगे ही चलते रहें क्योंकि हम आगे आ गए थे या वापस यू टर्न लेना चाहिए, क्या बोलते हैं? वंस वी रियलाइज कि हम गलत रास्ते पर हैं,
हमको बैठना चाहिए, सही रास्ते का पता करना चाहिए और उस सही रास्ते पर ही चलना चाहिए, क्योंकि गलत रास्ते पर 100% की स्पीड से चलने से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने से बेटर है कि हम सही रास्ते पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल लें। क्योंकि हम जितने भी जाएंगे वो सही दिशा में जाएंगे, और जीवन का जो मकसद है, अगर मैं एक लाइन में एक्सप्लेन करने लगूं और कोई मुझसे पूछे, मुझसे अभी अभी पिछले हफ्ते ही किसी ने पूछा था कि डॉक्टर साहब आपने अपने सेमिनार में 2 बातें पूछी कि बच्चे क्यों पैदा किए और स्कूल क्यों भेजते हो, एक बार जरा लिख करके देखिएगा घर जाकर कि आपने बच्चा क्यों पैदा किया था, तो आपको पता चलेगा कि अरे हमने तो पता ही नहीं कि क्यों पैदा किया था, बस किया था, क्योंकि सब करते हैं, क्योंकि ये रिवाज है। लेकिन हमारा पर्पज क्या था उस बच्चे को पैदा करने का, या मैं ये कहूं कि उसे स्कूल जब भेजना शुरू किया तो हाइपोथेटिकल कह लीजिए या थोड़ी मोरलिस्ट होकर के हम कुछ और बातें कितनी भी कर दें, बट आई थिंक हम जिस पर्पज से स्कूल भेज रहे थे अपने बच्चे को, यदि हम सचमुच उस पर्पज के लिए कन्विक्शन था हमारे दिलों में, तो आज आप सब लोग अपने बच्चों के स्कूलों पर मुकदमे कर रहे होते कि तुमने मेरे बच्चे के 18 साल बर्बाद कर दिए, और 18 साल बर्बाद होने के बाद भी मेरा बच्चा आज कंफ्यूज्ड है कि जाऊं कहां मैं। तुमको इसलिए थोड़ी सौंपा था कि तुम इसको मतलब सारा कॉन्फिडेंस खत्म कर दो, तुम इसको किसी लायक ही ना छोड़ो, इसके अंदर जितनी बुरी आदतें हैं कहां से सीख रहा है, कौन है जो उसे दे रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा, ऐसे पागल हैं हम सारे टीचर, सारे पेरेंट, सारा समाज, सभी लोग क्या कमाने पे लगे पड़े, कुछ आइडिया नहीं है, कौन जिम्मेदार है कोई आइडिया नहीं है, कोई लेने को तैयार ही नहीं जिम्मेदारी। आपके स्कूल के मास्टर जी के पास जाओगे बोलेगा हमारे पास तो 6 घंटे रहता है जी, 18 घंटे तो आपके पास रहता है। मम्मी बोलेंगे जी हम तो थोड़ी सिखा देते हैं, बोलता है मैडम ने ऐसे बोला ऐसे ही करना है, तो मैडम की मानता है ज्यादा, हमारी तो मानता ही नहीं है जी। उधर से पॉलिसी मेकर बोलता है स्कूल वाले ऐसा चाहते हैं, स्कूल वाले बोलते हैं पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ऐसा चाहते हैं, बच्चे कहते हैं हमको पता ही नहीं हम क्या चाहते हैं, कौन क्या चाह रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किस तरफ जा रहा है, नो आइडिया एट ऑल। हम एक रोलर कोस्टर में घूम रहे हैं, एंड माई फ्रेंड्स इट्स टाइम कि हम अपनी राइड को थोड़ा स्लो करें और इस दिशा में सोचना शुरू करें। We don't have any other option, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं अशोक जी की बात मानकर सिर्फ एजुकेशन पर बात करूंगा और नशे पर नहीं बोलूंगा, तो मेरे पड़ोस के बच्चे के पास नशे का इंजेक्शन पहुंच चुका है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है उस इंजेक्शन से, उसके हाथ में पिस्तौल आ गई है, उसके मोबाइल में अश्लील वीडियोज आ रही है, अगर उसका मोबाइल सारा कचरा उसको पेश कर रहा है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम उसको नहीं ठीक से रास्ता दिखा पा रहा है, अगर पूरी कानून व्यवस्था उसको कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, अगर सब कुछ उसकी बर्बादी का पूरा मचान तैयार करके बैठे हैं, तो मैं चुप रह जाऊंगा तो मुझसे बड़ा दोषी कोई नहीं होगा। सो आई हैव टू स्पीक, और अगर मेरे बोलने से कोई बात नहीं मानेगा तो मुझे चिल्लाना पड़ेगा, मतलब कुछ भी करके मुझे अपने बच्चे को बचाना है। एंड अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझे आपके बच्चे को बचाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, बिकॉज वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, सो इट्स अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट इज वाई आप केवल स्कूलों पर काम कर अपने बच्चे को कोई रास्ता नहीं दिखा सकते, इट्स अ गारंटी। आपको हर पेरेंट पे काम करना पड़ेगा, हर पेरेंट पे, और हर पेरेंट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, देन एंड ओनली देन वो इस सिस्टम का हिस्सा बनकर इसको ठीक करने की दिशा में काम कर सकता है, जब उसे मालूम होगा कि आपके बच्चे में और मेरे बच्चे में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन उसको यह फीलिंग आ गई, उस दिन वो फिर आपके बच्चे के बीमार होने की कल्पना नहीं करेगा। मैंने देखा है, आप इमेजिन कीजिए,
आपके घर में किस किस के दो बच्चे हैं, हाथ खड़ा करेंगे? दो या दो से ज्यादा। आप इमेजिन करिए, जिसके घर में दो बच्चे हैं उससे ज्यादा है ना, ये कन्फर्म है। एक जल्दी सोता है, एक देर से सोता है, एक ज्यादा कहना मानता है, एक कम मानता है, एक ज्यादा पढ़ता है, एक कम पढ़ता है, एक मतलब एक आपकी क्राइटेरिया में अच्छा है, एक आपके क्राइटेरिया में थोड़ा कम है। तो जब आप अच्छे वाले की तरफ हाथ करके बोलते हो ना दूसरे को, देख वो भी तो पढ़ रहा है, उसका भी तो इतना ध्यान है, वो भी तो ऐसा कर लेता है, तो दूसरे वाला क्या करता है, सबसे पहले उसी को घूरता है कि तेरी वजह से डांट पड़ रही है मेरे को, है ना? होता है ना ऐसा? मतलब दो सगे भाई बहनों में भी अगर दरार पैदा कर सकता है ये कंपैरिजन एंड कंपटीशन, तो पूरे समाज में क्या हो रहा होगा उनके दिमाग में, उन बच्चों के, यू कांट इमेजिन। एक्चुअली मैं पिछले 23 सालों से उन बच्चों के दिमाग पे काम कर रहा हूं। दे डोंट अंडरस्टैंड रॉन्ग और राइट, बस वो समझते हैं जो बोला ना अशोक जी ने, जो बोला वो बस सीखते हैं। उनको जो मिल गया, जैसा मिल गया, माहौल जो मिल गया, वो सीख लेते हैं। 4 साल के बच्चे पे जब मैंने रिसर्च किया, मैंने पूछा शादी करेगा बड़ा होके, वो बोलता हाँ करूंगा। क्या करेगा? तो एक बंदा बोलता है मॉरिशियस जाऊंगा, मतलब जैसे शादी मॉरिशियस जाने के लिए ही करेगा, क्योंकि उसका चाचा गया था शादी के बाद ना, वो मॉरिशियस गए थे कहीं। अच्छा वो दूसरे बंदे को बोल रहा हूं तू भी करेगा? बोला हाँ मैं भी करूंगा। तुम क्या करोगे? कहता मैं अपनी बहू को पीटा करूंगा, क्योंकि उसके घर में पत्नी को पीटा करते थे, तो उसको लगता है कि शादी करने का यही मतलब होता है, उसको लगता है शादी करने का यही मतलब होता है, उसको नहीं कुछ समझ में आता। वो तो आप जो दे रहे हो वो तो ले रहा है, और अननोइंगली ले रहा है। अभी जब आपके 4 साल के बच्चे के कार्टून के अंदर जब समलैंगिकता परोसी जा रही है, उसको लड़का लड़के को किस कर रहा है कार्टून में, और लड़की लड़की को कर रहा है कार्टून, तो वो समझ रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बातें बहुत हैं करने को, बहुत की जा सकती हैं। मोटा तौर पे मैं इस पे ये कहूंगा कि जब मैंने इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया और माँ बाप को बताना शुरू किया कि आप अपने बच्चे को इस दिशा में लेकर के जाओ, आप इमेजिन नहीं करेंगे, आज से 20-22 साल पहले कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन ओवर द टाइम उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होगा तब देखेंगे, तो हमारे घर में भी हुआ। और वही बात है कि अपने बच्चे पर काम करना, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर अ टीचर। आपको रोल स्विच करना पड़ता है, मतलब कब आपको पिता बनना है, कब आपको मां भी बनना है, एक टीचर बनना है। टीचर तो मां और बाप दोनों का रोल अदा करना पड़ता है टीचर को, तो टीचर तो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो आप, और अगर आप पेरेंट भी हैं तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आपका रोल स्विचिंग बच्चे को थोड़ी समझ आएगा। सो आप एक ऐसे टीचर या ऐसे पेरेंट होने चाहिए कि उसको मालूम ही नहीं पड़ना चाहिए कि आप टीचर हैं कि पेरेंट हैं कि दोस्त हैं कि क्या है, और वो सीख ले। तो इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी कि मुझे अपने बच्चे को इस कचरा सिस्टम में भी नहीं डालना था, एंड मैं भरोसा भी नहीं करता था, सच बताऊं, इस एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि मेरे साथ ही हमेशा प्रॉब्लम रही थी। और मैंने जब इसी प्रॉब्लम के चलते मैं इस फील्ड में आया कि मैं पिटना नहीं चाहता था एक्चुअली, पर मैं रोज पिटता था। टीचर से बच गया तो घर में आके घर वालों से, और घर वालों से बच के निकल गया तो अगले दिन जाते ही सबसे पहले प्रेयर में ही अपना नंबर आ गया। और मैं सोचता था कि मैं क्यों पिट रहा हूं, बिकॉज मैंने अपने घर वालों को जो मुझे पीटते थे ना, पता है मैंने टीचर्स को भी लिख के बोला था, आप मुझे लिस्ट बना के दे दो मुझे क्या क्या नहीं करना है जिसकी वजह से मैं पिट सकता हूं। मेरे को लिस्ट दी गई थी, मैं उससे बाहर करता था कोई काम, फिर भी पिटता था, क्योंकि मैं फिर कुछ और करने का ढूंढ लेता। सो आई वॉज इन अ प्रोसेस टू कैलकुलेट कि क्या है ऐसा जो मुझे मजबूर करता है ऐसा करने के लिए कि मैं अपने पेरेंट्स की डांट खा रहा हूं, क्योंकि आप सबके बच्चे खा रहे हैं, और कोई नहीं चाहता उसकी, उसके मां बाप उसके बारे में कुछ भी गलत इमेजिन करें। कोई बच्चा क्लास में सेकंड नहीं आना चाहता, हर कोई फर्स्ट आना चाहता है।
कोई बच्चा किसी से पीछे रहना, मतलब कोई भी अपने ऊपर बुरे वाला लेबल नहीं लगवाना चाहता, बट अगर लगवा रहा है तो देर इज समथिंग विच वी नीड टू एड्रेस, कि वो क्या है जो मेरे अंदर है, मैं क्यों हूं ऐसा। और फिर इसी सिलसिले को आगे पढ़ते पढ़ते बहुत सारी स्टोरी है, जब कभी मिलेंगे लंबी तो बात करेंगे। लेकिन जब बेटा पैदा हुआ तो डॉक्टर्स ने बोला इसके तो लंग्स और इसका दिमाग पूरी तरह से तैयार नहीं है, सो आपको इसे ऐसे ही इस पर तरह की रखनी पड़ेगी परवरिश, ये बीमार रहा करेगा, ये सीख भी नहीं पाएगा और इसका थोड़ा सा एजुकेशन का भी ऐसा रहेगा। आई थॉट के ठीक है आप जाओ, मेरी जो एक्सपीरियंस है वो मुझे मालूम है, मैं अपने आप देख लूँगा। मेरी टीचिंग की एक सबसे बड़ी खास बात है जो मैं हमेशा बड़ा प्राउडली कहता होता हूँ, मैं कभी किताब से नहीं पढ़ाया मैंने आज तक 20-22 साल में, और मैं कभी रिवीजन नहीं करवाता और मैं कभी टेस्ट नहीं लेता, और मैं बच्चे को पता ही नहीं लगने देता वो कब पढ़ गया, मतलब उसको मालूम ही नहीं होता कि मैं पढ़ चुका हूँ, और वो जब कॉपी उठा के देखता है तो वो फिर अपने आप ही सीखा हुआ होता है। और कमाल की बात यह है, खुद ही मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि ये तारीफ की बात है, कि मैंने कभी भी एवरेज और अबव एवरेज बच्चे को नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया। मैं माँ बाप से ये कहता होता था कि इसकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, और मैं केवल उसी बच्चे को पढ़ाता था, केवल उसी बच्चे को जिसको पूरा सिस्टम रिजेक्ट कर चुका है, जिसको उसके माँ बाप हाथ जोड़ चुके हैं, जिससे उसके टीचर्स मत्था पीट चुके हैं कि यार इसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, ये किसी लायक नहीं है, और मैं बोलता हूं तुम मुझे दो मैं तुम्हें दिखाता हूं ये कैसा हीरा है, बट दिक्कत ये है कि ये पढ़ने के लिए नहीं बना है। लेकिन उस टाइम पे माँ बाप ये कहते कि नहीं पढ़ने से ही जीवन बनेगा, सो आई नीड टू प्रूव इट बेसिकली टू पीपल, मुझे लोगों को बताना था कि ये जो तुम जिसको पढ़ाई बोलते हो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सिलेबस कोई सिलेबस नहीं है, ये प्योर कचरा है, कचरा, इसको दिमाग में डालना कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है, ये वैसे ही है जैसे उठा करके कॉपी पेस्ट मार देना, इसमें नहीं कोई फर्क पड़ता, असली चीज बच्चे को तैयार करना है कि वो अपने जीवन के लिए तैयार हो सके। लेकिन नहीं, नहीं समझते थे, तो सबसे पहले मुझे अपने बच्चे पर उसको प्रूव करना पड़ा। तो मैंने बिना किसी ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट के पहला नेशनल रिकॉर्ड जब मेरे बेटे ने बनाया तो वो 5 साल का था, वो इंडिया का यंगेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट बना मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में। उसने 5 साल की उम्र में, यानी कि जब उसकी क्लास के बच्चों को 100 तक गिनतियां करवाया करते थे तो उसे 1000 तक तो टेबल्स लर्न थे रैंडम, मतलब फिर उसको कैलकुलेशन के लेवल पे तो छोड़ दीजिए, ह्यूमन एनाटॉमी यूनिवर्स पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी उसे 5 साल की उम्र में याद थी, जो केमिस्ट्री के बच्चों को, यार सिर्फ पीरियोडिक टेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल में मतलब इलेक्ट्रॉन, ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उनके मतलब कितना उनका कॉन्फ़िगरेशन होएगा, वो बॉन्ड कैसे बनाएंगे, किसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएंगे, उनकी कौन सी फैमिलीज हैं, कैसे वो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, सारा कुछ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब वो 11वीं के 12वीं के बच्चों को नहीं होते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर। और फिर उसके बाद उसने चेस में वो स्टेट चैंपियन बना, फिर वो स्केटिंग का स्टेट चैंपियन बना, फिर वो मतलब अचीवमेंट्स उसकी लंबी लिस्ट बनती चली गई। मैंने उसे कभी स्कूल नहीं भेजा, मैं आपको बताऊं, हर साल मैं उसे नए स्कूल में दाखिल करवाता, स्कूल के ऑनर को मैं बोलता, क्योंकि स्कूल के ऑनर पीछे पड़े रहते थे कि हमारे स्कूल में करवा दो तो हम फीस माफ करेंगे, कोई फीस इसकी नहीं लेंगे, बस लेने आएगी, मतलब गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने जाएगी। तो मैं बोलता था ये 11 बजे तक आएगा स्कूल में, और 11 बजे क्योंकि वो होता है फ्रूट ब्रेक होता है, फिर लंच ब्रेक हो जाता है, फिर एक खेलने का पीरियड होता है, तो 1:30 बजे चला जाएगा, मतलब 11 से 1-2 बजे तक रहेगा, दोस्तों से इंटरेक्ट करेगा, सोशलाइजेशन होगी और चला जाएगा। पढ़ाई मैं नहीं चाहता कि आपकी क्लास में इसकी पढ़ाई हो, क्योंकि 7 साल की उम्र में, जब वो 7 साल का था ना, उसकी क्लास के बच्चे तो दूसरी में पढ़ता था, वैसे तो पढ़ता दूसरी में था, 7 साल की उम्र में उसने 10वीं तक का सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मोर देन 95% स्कोर कंप्लीट कर दिया था, करके बैठ गया, बोला पापा अब क्या करूं।
तो कुछ नहीं करना, तू खेल पढ़, जो तेरा मन करे वो कर। उसको हमने तैयार किया, पढ़ाया मैंने कभी नहीं। हाँ, पढ़ने के लिए मोटिवेट कैसे किया कि खुद किताब उठा के बैठ गया, मतलब वैसे उसको नहीं बोला कि तुम्हें पढ़ना है। और लगभग 2,500 किताबें वो पढ़ चुका है अभी तक। अभी वो लॉन टेनिस का नेशनल चैंपियन है। साइंस, साइबर, इंग्लिश, मैथ्स, चारों ओलंपियाड में 4 साल तक ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर रहा वो, बिना किसी तैयारी के। एक दिन आकर के मुझे बोला कि पापा यार, मैं तो आज 2 क्वेश्चन छोड़ आया, 5वें साल की बात है, मैथ्स के एडवांस पेपर में। क्या हुआ? मैं कहा आता नहीं होगा कुछ। कहते नहीं नहीं आता था यार। मैं कहा फिर टाइम कम होगा। टाइम भी आधे टाइम में पूरा हो गया था पेपर तो मेरा। तो वो यार मैंने एक बात सोची बैठे बैठे ना, सारे गोल्ड मैं ही ले लूंगा तो बाकी बच्चे क्या लेंगे। मैं गाड़ी में था, उसको गाड़ी रोक के मैंने गाड़ी उतारा, मैंने उसको हक किया जोर से, उसको किस किया, मैंने उसको बोला दिस वॉज द मोमेंट मैं जिसकी वेट कर रहा था, और मैं तुझे सिखाना चाहता था कि तो आज के बाद तुम जीवन में कभी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं बैठेगा, और पढ़ाई पढ़ाई छोड़, टेंशन खत्म, अपना खेल पे फोकस कर। मुझे नहीं मालूम था वो कौन सी टाइप की किताबें मंगाता है। वो तो संजीव जी ने मुझे बताया कि यार मैं इस उम्र में आके ये किताबें पढ़ रहा हूँ, जो वो 17 साल की उम्र में पढ़ के कभी का खत्म कर चुका, उसकी जो टेबल की जो किताबों का लेवल है, आई डोंट नो, लेकिन ही इज अ गुड रीडर बेसिकली। अब जब उस पर मैंने काम किया तो लोगों ने क्या कहा मालूम है कि आपका बच्चा था, आप भी इंटेलिजेंट थे, ये भी इंटेलिजेंट, इसमें क्या नया बात है, होता ही है, किसी किसी के घर में ऐसा बच्चा पैदा हो ही जाता है। हाँ, डीएनए काम कर रहा है। फिर हमने अपने दोस्तों के बच्चों पे काम किया, जिन बच्चों का नाम संजीव जी ने लिया, उनके माँ बाप भी टीचर्स थे, किसी के टीचर थे, जैसे जानवी के पिता भी टीचर हैं, कौटिल्य के पिता भी टीचर हैं, वो ऑलरेडी उस फील्ड पे काम कर रहे थे। हमको क्या करना है सिर्फ कि तुम्हारे बच्चे में ये वाला टैलेंट है, इसका एक्सपोजर दे दो खाली, आपको सिखाना नहीं होता। जैसे अगर सिखाने से आता तो सचिन अपने बेटे को अपने से बड़ा बैट्समैन नहीं बना देता क्या? उसके पास तो पैसे की कमी नहीं, कोचिज की कमी नहीं, ग्राउंड की कमी नहीं, एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की, कैसी चीज की कमी नहीं ना। पर सचिन अपनी औलाद को दोबारा सचिन नहीं बना पाएगा, अमिताभ अपनी औलाद को नहीं बना पाएगा, लता मंगेशकर नहीं बना पाएगी, कोई नहीं बना पाएगा। जो लीजेंड एक बार बन गया वो नहीं बना पाएगा। वो लीजेंड सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो जो कर रहा था ना, उसमें उसका परफेक्शन था। परफेक्शन सिर्फ एक ही चीज से आता है, कंसिस्टेंसी और पैशन से। और पैशन सिर्फ एक ही चीज से आता है कि जो उसने आपको ऊर्जा का फ्लो दिया है, आप उसी दिशा में काम कर रहे हो बस। और इंटरनल हैप्पीनेस का वन एंड ओनली वन सोर्स है कि आप वही काम कर रहे हो जिसके लिए आपको कुदरत ने पैदा किया है, उसी तरह का काम कर रहे हो। आपको दौड़ने के लिए पैदा किया है तो दौड़ते रहिए। आप सेना में जाओगे मजा आएगा, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनोगे मजा आएगा, परीक्षा भी चलाओगे तो मजा आएगा, आप पैदल चलने का कोई भी काम करोगे आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको पैदल चलने के लिए पैदा किया गया है। उसमें यह नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन ही बनना है। आपकी जिंदगी खराब उस दिन हो जाएगी जिस दिन आप बैठ के करने वाला काम करने लग जाओगे। कुदरत आपको यह नहीं कहती कि आपने क्या काम करना है, किस तरह का काम करना, यह कहती है। आपको लोगों के लिए पैदा किया है तो आप लोगों से बात करने के बहाने ढूंढ ही लोगे, लोग नहीं भी सुनोगे तो भी सड़क पे खड़े होकर ऐवें ही बोलने लग जाओगे, चाय की दुकान पे जाकर भी चुप नहीं बैठ सकते हो, आपको ढूंढ ही लोगे बात करने के लिए, किसी ना किसी को छेड़ने की आदत होगी आपको। और आप नहीं बने हो लोगों से बात करने के लिए तो आधी छुट्टी में आप अपने ही बस्ते पर बैठे रहोगे। टीचर कहेगा बाहर खेल ले बेटा, रिसेस का पीरियड नहीं, आम ओके विदिट, अपना बैठा है आराम से, अकेला ही बैठा है। अब ऐसे बंदे को अगर सेल्समैन लगा दिया जाए तो जिंदगी हो गई खराब, घर जाके दारू पिएगा तो जाते हुए वक्त, या फिर लड़ेगा घर जाके घरवाली से। बहुत सिंपल है, मतलब आपको इस दिशा में सोचना ही पड़ेगा। तो उनके माँ बाप ने उन बच्चों पर वैसे ही काम किया था, तो कौटिल्य जो है वो ज्योग्राफी में आपको मास्टर दिखाई देगा, जानवी जो है वो आपको 14 भाषाएं बोलती नजर आएगी, आपको कोई दूसरा बच्चा जो है वो एस्ट्रोलॉजी पे बात करता मिलेगा, अमर्त्या सेन आपको संस्कृत बोलती नजर आएगी, यशस्वी अपना आपको मैथमेटिक्स और साइंस पे बात करता हुआ नजर आएगा। तो हर बच्चे के टैलेंट के हिसाब से ये सारे बच्चे एक ही काम नहीं कर रहे हैं,
जो उसके पास इननेट है वही निकाल रहे हैं। तो भी लोगों ने कहा ये बच्चे भी जीनियस थे, क्योंकि टीवी ने जब उनको रिप्रेजेंट किया तो वो ऐसे रिप्रेजेंट किया कि जैसे इन्हीं बच्चों पर स्पेशल कोई परमात्मा ने मेहर करी हुई है। हम फिर फंस गए। तब हमने क्लासरूम कंडीशन में एक चैलेंज थ्रो किया सोसाइटी को कि हमको एक स्कूल से एक बच्चा चाहिए, आपके स्कूल का सबसे लोएस्ट स्कोरर बच्चा चाहिए, जिसको तुम कहते हो कि ये हमारे स्कूल के ऊपर कलंक है, वो हमको दे दो। 18 बच्चों ने अपना सेशन कंप्लीट किया जो अपने अपने स्कूल के लोएस्ट स्कोरर थे, हमारे लोएस्ट स्कोरर। क्योंकि देखो माँ बाप को दो ही बातें समझ में आती हैं उस टाइम पे की बात बता रहा हूं, एक नंबर कितने आए, एक पैकेज कितना मिला, बस इससे ज्यादा बात उनको नहीं आ रही है समझ। जो अपने अपने स्कूल के लोएस्ट स्कोरर थे, कैन यू इमेजिन 18 के 18 बच्चे जो अपने अपने स्कूल के लोएस्ट स्कोरर और डफर बच्चे कहलाए जाते थे, उन सभी बच्चों ने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में स्कोर किया 100 out of 100 बिना रिवीजन, बिना टेस्ट, बिना किताब। बिकॉज एक ही नियम है पढ़ने का, वही अशोक जी अपना काम कर चुके, मेरा वाला काम कर चुके। वो नियम क्या है, आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, आप उसे पढ़ना सिखा सकते हैं। आप उसके मेथड, उसका मेथड पकड़ जाइए बच्चे का कि उसका क्या मेथड है, और सिर्फ उसको उसका एक्सपोजर दे दीजिए। आपने कुछ भी नहीं करना है उसके बाद, और बेस्ट टीचर वही है जो उस बच्चे का बेस्ट निकाल दे। अपना बेस्ट देने वाले सबसे वाहियात मास्टर होते हैं, मैं आपको यह बता रहा हूं। जो टीचर जितना ज्यादा क्लास में पढ़ाएगा उतना ही बेवकूफ है, जो जितना कम बोलेगा, जो जितना अगले से बुलवाएगा और वहीं से उसको उसको बोलने का, तो उसको वो कुछ करना ही नहीं होता है। अपनी टीचिंग की सबसे खास बात क्या होती मालूम है, क्लासरूम में सारे बच्चे आए बैठ गए, सब अलग अलग सोशल बैकग्राउंड है, अलग अलग स्कूल है, अलग अलग क्लास है, सबके अलग अलग टॉपिक है। पूछ लिया, बताओ भाई सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बता, कॉपी पे लिख ले। सब जने अपनी अपनी कॉपी पे लिखो कि मेरा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट ये है। लिख लिया, किसी ने लिखा मैथ, किसी ने फिजिक्स, किसी ने केमिस्ट्री। अब लिखो उस पूरी किताब में, उस पूरे सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल टॉपिक, भाई मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आता। ठीक है जी, हो गया, सबने लिख लिया, सबके देख लिए कि इसका ये, इसका ये, इसका ये। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुमको ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल टॉपिक अगर तुमको ऐसे आ जाए तो, भाई अगर ये टॉपिक चुटकियों में आ जाए तो भाई फिर तो मजा होगा, फिर तो कोई टॉपिक मुश्किल नहीं बचा ना। बस वो सबसे बड़े यानी क्लास में सबसे मजबूत बच्चे को जाके एक झापड़ मार दो, बाकी पूरी क्लास आप पे डरी रहेगी, नहीं ना? जो नया कोई नया जो गुंडा बनता है उसका क्या नियम होता है, पहले वाला जो एस्टेब्लिश गैंगस्टर है उसके ऊपर अटैक मार दो, उसको हरा दो, अपन एस्टेब्लिश। तो सबसे मुश्किल टॉपिक को अगर उस बच्चे ने चुटकियों में कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल का इमेजिन कर सकते हो आप किधर होगा, कि अब तो कुछ बचा ही नहीं। और जैसे ही बच्चे में यह फीलिंग आई, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अल्टीमेट तरीका तो है ये, बाकी लगाते रहो जिधर मर्जी जोर, फिर इससे ऊपर, क्योंकि हमको बच्चों के लिए, बच्चों को नंबरों के लिए तैयार नहीं करना है। मैं सख्त खिलाफ हूं इस पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम के, और मैं इसे पूरी तरह से बदलना चाहता हूं, और मैं इसको एक आंदोलन का रूप देना चाहता हूं कि ये ऐसे बदले कि गांव गांव हर घर से यही आवाज आए कि ये कचरा सिस्टम बंद करो, मेरे बच्चे को उसकी जिंदगी के लिए तैयार करना है। अगर सरकार तैयार नहीं कर रही, अगर स्कूल तैयार नहीं कर रहा, तो हम मां बाप मिलके करेंगे। इसीलिए क्योंकि मैं 2015 में पीएमओ भी गया था, आपको बता दूं,
पूरा बैठ के लेक्चर दे करके आए थे हम लोग। सरकार हमको इनाम देने को तैयार है, रिवार्ड देने को तैयार है, एसोसिएट बनाने को तैयार है, सीधा लगाने को तैयार है, लेकिन मैंने एक ही चीज मांगी, ना पैसा चाहिए, ना रिवार्ड चाहिए, ना एसोसिएशन चाहिए, मुझे एक ही चीज चाहिए कि मैं 1 रुपया सालाना पे काम करने को तैयार हूं, बट आई नीड अ फुल कमांड, कि मैं प्रिंसिपल्स को बुला के जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको बताने की पोजिशन में आना चाहता हूं, कि अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो आई नीड दैट पार्ट। मुझे पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जब मैंने इस साइंस पे काम किया था, जिस तरह से हमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस आप करते हैं, साइकोमेट्रिक एनालिसिस आप करेंगे तो आप उस बच्चे के इननेट बिहेवियर को बिल्कुल नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, पूछने वाला परफेक्ट चाहिए, जवाब देने वाला 100% ईमानदार चाहिए, एनालिसिस करने वाला 100% परफेक्ट चाहिए, और उसके ऊपर उसका फिर इंटरप्रिटेशन करने वाला भी 100% परफेक्ट चाहिए। परफेक्शन पॉसिबल नहीं है तो एनालिसिस कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, नजदीक नजदीक चले जाएंगे, इननेट बिहेवियर को देखा जा सकता है, लेकिन उस पर जब हमने 2009 में जब ही जिसको अशोक जी ने DMIT बोला डर्मेटोग्लिफिक्स के ऊपर, 2009 में मैंने इसका पहला वर्जन तैयार किया, इंडिया में इस पे काम करने वाला मैं पहला आदमी, इस पे जब हमने काम किया तो देखा कि IT कंपनियों वाले हमारी उस पूरी के पूरे सिस्टम को उठा करके कॉपी बना बना के बेच रहे हैं, CD बना बना के, कुछ है ही नहीं यार, ये तो नहीं है। फिर हमको इसको तैयार करके इसका नया वर्जन आज मार्केट के अंदर दूसरी दुकानें खोले बैठे, तीसरा चौथा वर्जन उठा के बैठे, अभी हम 7th लेवल पे 7th जनरेशन पे पहुंच चुके हैं, इतनी डेवलपमेंट्स हो चुकी है उसका कोई जिक्र ही नहीं होता है। लेकिन अगर बच्चे का इननेट बिहेवियर 3 साल की उम्र में पता चल जाए और क्लासरूम में पेरेंट्स की मदद से या स्कूल में या गुरुकुल में या विद्यालय में पेरेंट्स की मदद से उस बच्चे के उस इननेट बिहेवियर के ऊपर काम होने लगे, उसके उस स्किल के ऊपर काम होने लगे, और उस बच्चे को बाद में जीवन जीने के लिए उसको समाज में कहां स्थापित होना है, यदि इस विषय पर काम हो जाए, तो मुझे लगता है कि किसी भी पेरेंट को आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सचिन के घर में दूसरा सचिन पैदा नहीं होगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके 50 एकड़ जमीन है लेकिन आपका बच्चा खेती के लिए पैदा नहीं हुआ है, पॉसिबिलिटी है, तो फिर क्यों उसको खेती के अंदर जाना है? और ये पॉसिबिलिटी है कि मेरा बच्चा हो सकता है खेती के लिए पैदा हुआ हो, तो क्यों ना हम दोनों पेरेंट इकट्ठे होकर के एक ऐसा माहौल डेवलप करें कि जमीन आपकी आपके पास ही रही, मेरा बेटे को खेती करनी है तो मैं आपके खेत में आके काम कर लूं, और आपके बच्चे को कुछ करना है तो वो इनकी दुकान पे जाके काम कर ले, और इनके बच्चे को कुछ करना है तो वो इनके गार्डन में जाके कुछ कर ले, और इनको करना है तो वो इनके स्कूल में आके पढ़ा ले, और इनको करना है तो वो उनके वहां जाके कर ले, हो गया काम खत्म ना। दैट इज वाई वी से वी नीड अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। और पहले क्योंकि ये ज्वाइंट फैमिली करती थी इसलिए हमें विलेज की जरूरत महसूस होती नहीं थी, जितना कल्चर था, जितनी बातें थी, जितना ज्ञान था, जितनी मोरालिटी थी, जितनी समझ थी, जितनी सामाजिकता थी, वो सब उसका परिवार ही उसे दे दिया करता था। तो ज्यादा इधर उधर की बातों पे जाने की बजाय पॉइंट टू पॉइंट जाने की कोशिश करते हैं कि आपको अपने बच्चे का जीवन बनाना है किस बेसिस पर, उसकी इननेट कैपेबिलिटीज के दम पर, उसके बेसिस पर। तो आप नेक्स्ट प्लीज बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट प्लीज, अगला नेक्स्ट। आप मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या क्या आपके सामने आती हैं, कोई भी पेरेंट होता है, 4-5 प्रॉब्लम्स हैं, आगे जाए बिना हम बता देते हैं, सभी पेरेंट्स की वही प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा कहना नहीं मान रहा है, जिद्दी बहुत हो गया है, मोबाइल का एडिक्शन हो गया है, वीडियो गेम खेलता रहता है, है? और नशा भी करने लगा आजकल तो बच्चे, बात नहीं करता है किसी से भी, अकेला पड़ा रहता है, दोस्तों के साथ भी चैटिंग पे ही, मतलब वो तो मोबाइल ही आ गया, और क्या क्या है जरा देख लेते हैं एक एक करके, हाइपर एक्टिव हो गया, लर्निंग डिसेबिलिटीज, पीयर रिजेक्शंस, डिसोबीडियंस, ये ठीक है जी, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इन प्रॉब्लम्स की जड़ तक जाने के लिए आपको किसी भी बच्चे के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। बिहेवियर 3 होते हैं किसी भी इंसान के, पहला बिहेवियर जेनेटिक, जो वो लेकर पैदा हुआ है उसमें वो कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा हूं तो ऐसा हूं, मैं ऐसा करता हूं तो करता हूं,
मेरे बस की बात नहीं है ऐसे करना, इसके इसके अलावा जाना, क्योंकि मुझे डिसीजन जो लेना है वो डिसीजन मेरा इननेट बिहेवियर का एक बहुत बड़ा एक कारण है। लेकिन यदि हम उसे तरीके से पेरेंटिंग करके बचपन से ही उसके सामने एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जाए, तो वो जो अशोक जी वाली बात है, फिर वो धर्म का पालन करेगा, फिर वो नियम का पालन नहीं करेगा। क्योंकि जब सब नियम का पालन करते हुए, जब सब धर्म का पालन करेंगे ना, अगर पिता आदर्श पिता हो गया और माँ आदर्श माँ हो गई और गुरु अगर आदर्श गुरु हो गया, बच्चे को आदर्श शिष्य बनने में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत ही उसको तब है जब सिर्फ उसको ही टेलीविजन देखने नहीं दिया जा रहा। पापा तो आते ही चला लेते हैं, मम्मा तो सारा दिन मोबाइल में घुसी रहती है, वो तो आप तो नहीं बंद करते हो अपना, मेरे को टोकते रहते हो खाली, मुझे ही पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई इतनी ज्यादा जरूरी है तो अपनी खुद क्यों नहीं पढ़ लेते, तुमने क्यों नहीं पढ़ा उस टाइम पे, अपने टाइम पे मेरे को बोलते हो आईपीएस करना है, खुद क्यों नहीं कर लिया था अपने आप से, ठीक है ना, एंड सो ऑन। वो सारी दिक्कत उसको तभी है जब उसे ही करना पड़ रहा है। तो ये जेनेटिक जो बिहेवियर है ये तब आ रहा है। दूसरा आता है डेवलप्ड बिहेवियर, ये हमारे को तब हम स्कूल में जाते हैं, लाइन में चलो, बोलना नहीं है, एक साइड में खड़े हो जाओ, बेंच पे खड़े हो जाओ, अब क्वेश्चन नहीं आता है। वही अशोक जी ने क्या किया था कि हमको तो केमिस्ट्री नहीं आती थी बस, मतलब पता है कि केमिस्ट्री के मास्टर जी ने खड़ा कर लिया कि अशोक बता, तो पहले ही कर लेगा, लो जी देना दे दो, बस पता है कि इसके बाद यही आएगा, क्यों हमको पहले से मालूम होता है कि ऐसा करना होता है, ये जाएंगे इधर जाएंगे तो ऐसे हाथ जोड़ने, ऐसे खड़ा होना है प्रेयर में, ऐसे चलना है। और फिर कंटेक्चुअल बिहेवियर आता है, ये आता है कि जब हम किसी कुर्सी पर बैठे होते हैं, मेरा उछल कूद करने का मन कर रहा है लेकिन मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, अब मैं नाच भी नहीं सकता कॉरिडोर में क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो मेरे को उस पोस्ट का ध्यान रखना पड़ता है और भाई थोड़ा सेंसिबल बिहेव करना पड़ता है कि यार तुम ऐसे तो नहीं, मतलब तुम्हें तो, तुम तो कम से कम शर्म कर लो यार, नहीं तो तुमको कोई ऐसे टोक देगा उससे डलते हुए। तो वो हमारा कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर है। नेक्स्ट प्लीज। इट्स अ गुड क्वेश्चन, हालांकि ये लास्ट का क्वेश्चन था, लेकिन मैं बताऊं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे का जो एक्टिविटी होता है, पिछले वाला जाने दी, उसका जो एक्टिविटी है, जब तक उसको पेरेंट्स का रिस्पांस ठीक ठीक मिल रहा है, और मतलब पेरेंट को भी मालूम है कि मेरा बच्चा इस टाइप का, तो इसको इस तरह से पहले से ही पेरेंटिंग हो गया, क्योंकि मेरी जो पेरेंटिंग सेशंस हैं वो दो पॉइंट्स पे चलते हैं हमारे पेरेंटिंग सेशन। पहला जो पेरेंटिंग सेशन है हमारा, वो शादी होने से या बच्चा पैदा करने से पहले होता है कि आपको अभिमन्यु के गर्भ में किस टाइम सोना किस टाइम नहीं सोना है, वो भी पहले से मालूम होना चाहिए कि जब बच्चा आपके पेट में है तो आपका बिहेवियर कैसा हो, आपका घर का माहौल कैसा हो, क्योंकि माँ इस बात को अच्छे से समझ सकती है कि बाहर के एनवायरनमेंट का के ऊपर बच्चा रिस्पॉन्ड करता है पेट के अंदर। जब वो सातवें महीने में, यानी कि लगभग ये समझिए आप 26वें 27वें महीने तक बच्चे का दिमाग पूरी तरह से तैयार हो जाता है, डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, और वो सब कुछ सुनने लग जाता है बाहर से, तो उसको मालूम होता है, अभी फ्रीक्वेंसी होती है सारी की सारी। मैंने कुछ बोला, मेरी एक जो लाइन है वो सुर में अगर आ रही है तो वो बच्चे के लिए संगीत है, वही बेसुरी है तो वो शोर है। मैं आपस में बात कर रहा हूं और अगर अलग भाषा में बात कर रहा हूं, गुजराती में नहीं कर रहा हूं मान लो, और आपको गुजराती से अलग दूसरी भाषा नहीं आती है, मैं तेलुगु में कर रहा हूं और आपको तेलुगु नहीं आती है, तो आप ये बेशक नहीं जान पाएंगे कि मैंने इनसे क्या बात करी, लेकिन आप मेरी बात का मतलब समझ जाएंगे कि ये प्यार से बात कर रहे थे, गुप्त प्लानिंग बना रहे थे या लड़ रहे थे, वो आप समझ जाएंगे। ऐसे ही बच्चा क्या करता है, फ्रीक्वेंसीज पे रिस्पॉन्ड करता है, मतलब पेट के अंदर से ही, कि बाहर जो चल रहा है वो क्या है, और वो उसके सबकॉन्शियस में प्रिंट होता रहता है। ये हमारे ब्रेन की सबसे बड़ी खास बात है कि जितना भी हमारी ज्ञानेंद्रियों से हमको मिलता है, चाहे हमें सुन करके, देख करके, फील करके, टच करके, जैसा भी करके, हमारे अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती रहती है अननोइंगली, आप चाहो या ना चाहो, मतलब आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, आपको याद हो ना हो, लेकिन जो भी आपकी आंखों के सामने आ गया वो जाकर के पीछे स्टोर हो गया।
यदि आपकी मुद्रा, आप ध्यान मुद्रा में जाना जानते हैं, आप योगा के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों को अगर आपने या आपने अपने चक्रास को अगर आपने जागृत किया हुआ है, तो आप आंख बंद करके उस पूरे सिनेरियो को बिल्कुल इन डेप्थ देख सकते हैं, देयर इज अ चांस। तो आपके पास वो सारा स्टोर रहता है। तो 3-4 साल की उम्र तक बच्चे का जो बिहेवियर रहेगा वो एकदम जेनेटिक रहेगा, बाद में उसके बाद वो चलेगा आपका डेवलप्ड बिहेवियर, और फिर जब आप किसी कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो रहेगा ये बिहेवियर। बट इस पूरी प्रोसेस में थ्रू आउट द लाइफ आपका जो जेनेटिक जो पार्ट है वो डोमिनेट करेगा सबसे ज्यादा। यानी कि वो कैसे, जेनेटिक वाला आपके दिमाग में रहेगा, वो आपके बिहेवियर में नहीं आएगा। जैसे 4 तरह के लोग होते हैं मोस्टली, जैसे वर्ण भी हम देखेंगे तो 4 ही मिलेंगे आपको, तो वो उसी के बेसिस पर हमने बनाया। मैंने इसका नाम जो है वो लाइफ रखा है, लाइफ LIFE। तो इस चारों में ये जो L है, एक I है, एक F है, एक E है, ये मैं एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे। बट लाइफ क्या है कि मुझे रेड लाइट क्रॉस करनी है, वही एग्जांपल ले लेता हूं मैं अशोक जी वाला ही, मुझे रेड लाइट ही क्रॉस करनी है। अब एक बंदा ऐसा है जो पीछे से सोचकर आया है कि मुझे रेड लाइट क्रॉस करनी ही करनी है, आई डोंट केयर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब उसने ऐसे ही रहना है उसी स्पीड पे, थोड़ा बहुत कम कोई आ गया तो बता लगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। एक दूसरा है जो रेड लाइट आने से बहुत पहले चारों तरफ नजर दौड़ाएगा कि कोई है तो नहीं पुलिस वाला खड़ा, और वो उसके बाद मतलब जंप करेगा। एक तीसरा है वो आएगा, खड़ा होगा इधर और इधर दोनों तरफ देखेगा, जिधर को उसे अपने मतलब का बंदा दिखाई देगा, जैसे कोई नया नया सा छोकरा है तो सुंदर सी लड़की दिख गई, तो या उसको कोई और दिख गया, कोई बुजुर्ग दिख गया, अगर जवान सा है तो कोई दिख गया, तो उसकी तरफ देखेगा, फिर मोटरसाइकिल ऐसे करेगा और फिर एकदम से भागेगा। ये तीसरा है, मतलब इसका स्टाइल ही है, वो रुकता है, वो दिखाता है अपने आप को और फिर चलता है। और फिर एक चौथा है, वो इसलिए कर रहा है कि बाकी सब कर रहे थे तो मैंने सोचा जब कोई मान ही नहीं रहा है तो मैं क्या करूं, वो चौथा है। तो ये थॉट ऑफ मतलब अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, बेसिकली सामने बॉस खड़ा है, उसने कुछ ऐसी बात कह दी है कि मन कर रहा है उसका मुंह तोड़ दें, बट कंस्ट्रक्चुअल बिहेवियर उसको रोक रहा है कि यार नौकरी चली जाएगी। तो वो जो दिमाग में चला कि मुंह तोड़ दें वो जेनेटिक है, वो अंदर जाने से नहीं रोक सकता, वो चलेगा। बाहर क्या दिखाया वो बिहेवियर है, यानी एक रहेगा नेचर और एक रहेगा बिहेवियर। नेचर हमेशा जेनेटिक ही रहेगा आपका, वो कभी नहीं बदल सकता। आप अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर लेते हो मौके के हिसाब से। तो वो अगर आपको अपने बच्चे का एक्चुअल स्टेट ऑफ माइंड पता हो कि ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ये ऐसा रहेगा, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो मैं आपके जो गुजरात के गवर्नर है मैं उनकी बात बताता, बट मैं आचार्य देवव्रत जो है ना, मेरे बड़े अच्छे पुराने मित्र हैं, हाँ वो हैं के वहीं गए, कुरुक्षेत्र के ही हैं वो। तो मैं इसलिए क्योंकि उनसे हमारी बहुत लंबी चर्चा होती रहती थी जब वो गवर्नर नहीं थे, तब उससे पहले भी, और इस मुद्दे पर बहुत इत्तेफाक रखते थे कि हाँ डॉक्टर साहब बहुत शानदार चीज आपके पास है और एक्चुअली इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। बट वो मेरी प्रॉब्लम क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मैंने जब इसको बनाया था इस विद्या को, तो मैंने एक प्रॉमिस किया था परमात्मा से और कुदरत से, खुद से भी, कि मैं इस विद्या से अपने लिए कभी लग्जरी नहीं खरीदूंगा, क्योंकि विद्या कभी भी पैसे में नहीं बेची जा सकती। अगर आपको अपने बच्चे, ये एक ऐसी अनमोल चीज बनी थी जब तैयार हुई थी, तो मुझे फील हो रहा था कि ये इतनी रेवोल्यूशनरी चीज है कि पूरी दुनिया को बदल देगी, है मतलब पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम बदलेगा इससे, मुझे मालूम है। बस मैं अवार्ड रिवार्ड और पैसे के चक्कर से बच गया, तो मतलब मैं इसका यूज दे पाऊंगा, मैं समाज को इसको दे पाऊंगा, असलियत में दे पाऊंगा। बट एक्चुअली क्या है, सब जगह से मुझे जो मिलता है ना वो यही मिलता है कि तुमको इतने परसेंट मिल जाएगा, तुमको इतना पैसा। अभी एक स्कूल में जाओ आप, दिल्ली में 4000 नॉर्मल स्कूल है, 4000 बच्चा, मतलब मैं तो जैसे 1.5 लाख रुपया लेता हूँ एक बच्चे का एनालिसिस करने का, लेकिन वहाँ अगर आप अपनी टीम को छोड़ देते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर लो, उसको 10-20 लाख रुपया बोल दो कि तुमको इतना मिल जाएगा, बहुत नॉर्मल सा बिजनेस मॉडल है ये। और एक बच्चे से 10,000 रुपया भी अगर आप लेते हो तो 4 करोड़ रुपया एक स्कूल में रखा हुआ है,
भाई पेरेंट 1000 रुपया महीना देने में क्या दिक्कत है? आप उस बच्चे को बिठा करके जब मैं किसी माँ बाप को समझाता हूं ना, तो मैं उस एक बच्चे से एक सवाल पूछे बिना, मतलब अगर आपका बच्चा 10 साल का है तो बचपन पैदा होने से लेकर 10 साल तक किस चीज पे कैसे रिएक्ट करता है, कब क्या बोलता है, कौन सी चीज प्रॉब्लम है, कौन सी खासियत है, क्या करता है, आपसे एक सिंगल सवाल पूछे बिना हम बता सकते हैं? तो जब आपसे एक सिंगल सवाल पूछे बिना पिछले 10 साल मैंने समझ लिए आपसे ज्यादा, तो मुझे यह भी मालूम है कि उसका एक्चुअल हैप्पीनेस कहां है। मां बाप की तो ट्राई हैप्पीनेस है ना, तो अगर आपके बच्चे को उसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस का रास्ता अगर हम देते हैं तो 1-1.5 लाख भी कोई ज्यादा नहीं है। क्योंकि मैं हर पेरेंट को एक ऑफर देता हूं कि आपको अगर अपने बच्चे के लिए जो मैं बताऊंगा अगर उसमें एक भी लाइन गलत हो तो आप 20,000 रुपया छोड़ के सारे पैसे वापस ले जाना काउंसलिंग के बाद, अगर आपको लगता हो कि इसमें कुछ गड़बड़ है या कुछ भी है। मुझसे तो कोई पेरेंट आज तक पैसे वापस मांगने आया नहीं है। अब अगर इसी अनमोल चीज और हम इसका बिजनेस मॉडल बना लें, क्योंकि मैं एक एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया तो उसने मुझे बोला हरियाणा में 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी में, अगर हम 1,000 भी चार्ज करते हैं तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है डॉक्टर साहब, 50 करोड़ हमको दो बाकी का आप लो। मतलब इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बेसिकली इट्स अ मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट, तो हम अगर इसको कैश करना चाहें तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये। बट मेरा इंटेंशन नहीं है एक्चुअली, मैंने इसको इसलिए अभी तक रखा हुआ है और मैंने अपनी लाइफ को बेसिकली कष्टों में इसलिए रखा है जानबूझकर कि कोई आएगा किसी टाइम पर और कोई हेल्प करेगा मुझे उस लेवल पर कि हम समाज में वो चेतना जागृत कर सकें कि हमको एक साथ आकर के अपने बच्चों की जिंदगियों के लिए खुद से प्रयास करना पड़ेगा। इट्स नॉट माय इंटेंशन कि हम इसकी मदद से एक हिस्से पर काम कर लें या एक स्कूल पर काम कर लें। और अगर कोई नहीं आया तो मैं आपको अपना अगला प्रोजेक्ट बता रहा हूं, मैं हरियाणा में शुरू कर रहा हूं नेक्स्ट ईयर टू नेक्स्ट ईयर, मतलब अभी अभी मेरा जागरण का समय है। मैंने पहले से सोचा हुआ है कि 2023 और 24 पॉसिबली हम जागरण पे रहेंगे, लोगों को जगाने पे रहेंगे, क्योंकि पीएमओ में जाने के बाद पार्लियामेंट के मेंबर्स के पास गया, मैं एजुकेशन मिनिस्टर के पास गया, सीएम के पास गया, अपने लोकल जितना जिला पार्षद एमएलए और ब्लॉक समिति और सरपंच और प्रिंसिपल्स मालिक सबके पास गया, एंड नोबडी इज बॉदर्ड बेसिकली, क्योंकि माँ बाप को ही नहीं पता उनको अपने बच्चे के लिए क्या चाहिए। अब आप मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल रन करते हैं और आप कोई नया एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, बिना पेरेंट्स की कंसेंट के आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे बेसिकली, क्योंकि स्कूल के ऑनर की सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, पेरेंट्स ने अगर मतलब ना कर दी तो। सो आई थॉट के पेरेंट्स को समझाना हमारा पहला स्टेप इस पे रहे और उसके बाद हम इसको आगे इंप्लीमेंट कर सकें। तो फिर मैं पेरेंट्स को ही समझाने निकला 2016 में। 2016 में मुझे रियलाइज हुआ जब मैं बच्चों को तैयार करने की फीस जो थी मेरी, दो महीना तैयार करने की फीस मेरी 5 लाख रुपए होती थी, तो मैंने उस टाइम पे पढ़ाना छोड़ दिया ये सोच करके कि यार अगर मान लो साल में तुम 100-150-200 बच्चों को तैयार कर दोगे और 5-10 करोड़ रुपया अगर कमा भी लोगे 2-3 महीने में तो होगा क्या उससे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को तो समाज सारा नशेड़ी मिल रहा है ना। तो जब ये बड़ा होगा और जब 18 के बाद मैं इसे समाज में फ्री छोड़ूंगा तब इसके लिए समाज तो तैयार किया ही नहीं मैंने। सो आई थॉट कि ये कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये बंद होने चाहिए, तो पहले अपना ही बंद करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो पहले मैंने अपना बंद किया एंड देन आई मूव टू द लोकल पीपल के गांव के आखिरी जो बंदा है, जो माँ बाप है गांव का, उसको समझाएंगे। और मैंने एक नोटिस किया पिछले 7 सालों में कि जिस माँ बाप तक हम गए उसे बात समझ में आ गई एंड नाउ ही इज रेडी। उसको जब एक इशारे की जरूरत है कि जिस दिन भी देवेंद्र इशारा कर देगा उस दिन हम इस मूवमेंट के लिए खड़े हैं। लेकिन अभी हम प्लान कर रहे हैं मूवमेंट को दूसरे एंगल से करने का। मूवमेंट को हम इस तरह से करने का प्लान कर रहे हैं कि हरियाणा में लगभग 7,000 गांव हैं, तो हर गांव से 2 बच्चे तैयार करने का प्लान है। तो लगभग 14,000 बच्चों से एक स्कूल शुरू करेंगे। 14,000 बच्चों का मतलब यह है कि जो अगर 10 गांव का क्लस्टर है तो 10 गांव के क्लस्टर को तैयार करने के लिए हमारे पास 20 लोगों की टीम तैयार हो जाएगी। यानी कि आज हम बच्चे को स्कूल में शुरू करेंगे, उसको तैयार करके तैयार मॉडल उसको समाज में उतारेंगे, तो हर गाँव में पैरेलल एक मूवमेंट उठेगा बेसिकली। यानी कि
एक्चुअल फंडामेंटल्स जमीन पे काम करना, ना कि मतलब स्कूल में काम करना या ऊपर ऊपर। मैं पत्तों में पानी मारने में भरोसा नहीं करता, मैं जड़ पे काम करना, कि बीमारी की जड़ पे काम करना बड़ा जरूरी है। तो गांव से देश है ये, हमारा देश की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि गांव से है। अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको गांव को ही संभालना पड़ेगा। गांव नहीं संभला तो सब बर्बाद हो जाएगा, शहर तो कभी भी खत्म हो सकता है। हमारे पास तो दोबारा से लॉकडाउन लग गया तो एक हफ्ते का भी राशन नहीं है शहर के पास, तो फिर गांव ही भागना पड़ेगा। चलो इस पे आगे चलते हैं। एवरी पेरेंट जो है ही वॉन्ट्स कि उसका बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, बट प्रॉब्लम क्या है, ना तो पेरेंट्स को पता है सक्सेस की डेफिनेशन, ना ही टीचर्स को मालूम है। उनके लिए वही पैकेज और एडमिशन और सिलेक्शन ही सक्सेस का क्राइटेरिया हो गया है, विच इज वेरी रॉन्ग आई थिंक। और हैप्पीनेस की तरफ, पैशन की तरफ, पैशन ही प्रोफेशन बन जाए इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, बहुत कम लोगों का फोकस रहता है इस तरफ। नेक्स्ट, ना ही तो टीचर को मालूम है, ना ही पेरेंट्स को मालूम है कि मेरे बच्चे के पास सबसे बेस्ट क्या है। अब इसमें एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन रहता है कि मां बाप अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। जब मैंने बोला कि हर व्यक्ति अलग है, तो मेरे सोचने का तरीका संजीव जी के सोचने के तरीके से और आपके सोचने के तरीके से डिफरेंट होगा, ये श्योर है। तो जब भी मैं अपने बच्चे के बारे में किसी से सलाह लूंगा तो ये अपने हिसाब से सलाह देंगे, ये अपने हिसाब से सलाह देंगे और मैं अपने हिसाब से, जबकि बच्चा अलग है हमसे तीनों से। तो देर आर चांसेस कि वो कंफ्लिक्ट और बढ़ जाए, तो बच्चे को उसके रियल रास्ते की तरफ लगाने के हमारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि या तो अपने बच्चे से करवा कर देखा जाए सब कुछ और फिर जज करे कोई परफेक्ट टीचर के हाँ यार इस बच्चे को इस तरफ लेके जाया जा सकता है, या फिर हमारे पास एक एनालिसिस करने वालों की एक पूरी ट्रेंड लोगों की एक फौज हो जो एक्चुअली उसको रिकॉग्नाइज कर ले, जो बच्चे के टॉप एरियाज हैं उनके ऊपर कुछ एक्सपोजर देके भी देखे फिर बाद में, और जब वो वेरीफाई हो जाए तो फिर उसके ऊपर जीरो जान से उसको लगा दिया जाए। नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड इज अ बंडल ऑफ अमेजिंग कैपेबिलिटीज। एंड नेक्स्ट, अगला नहीं, पिछले वाला। हाँ, हमारा जो असली काम है वो है उस बच्चे के अंदर की यूनिकनेस को अंडरस्टैंड करना। नेक्स्ट, बेसिकली हमारा बच्चा ये इंटेलिजेंट की बजाय यहाँ लॉजिकल होना चाहिए, द वर्ड शुड बी लॉजिकल, कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे देना चाहते हैं। या लाइफ में कुछ करना है, मान लीजिए अगर मेरा बच्चा क्रिएटिव है और मुझे कोई ऐसा काम करने को दे दिया जाए जो किसी ने बताया था और वही करना है, यकीन मानिए आपके बच्चे की जिंदगी नरक बन जाएगी। मतलब ये टाइप ऑफ वर्क से ही जिंदगी नरक बन जाएगी। बट अगर आपने उसको फ्री कर दिया कोई भी काम सोचने के लिए और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, अगर वो क्रिएटिव है तो वो नए नए आइडियाज और नई नई चीजें लेकर के आएगा, जो अपने बच्चे को बहुत बड़े लेवल तक लेके जा सकता है एक्चुअल हैप्पीनेस की तरफ। नेक्स्ट, अभी ये इंटेलिजेंसीज हैं टोटल, कि आपके बच्चे, ये सारे के सारे स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं, आप सबको मालूम ही हैं ये इंटेलिजेंसीज के बारे में, लगभग मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट कोई भी काम करना है, मुझे लोगों से बात करनी है, सेल्स में जाना है, पढ़ाना है, मुझे लीडर बनना है, मुझे फॉलोअर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी बनना है, वो बनने के पीछे या वो काम करने के पीछे हमारे पास कोई टैलेंट होना, कोई इंटेलिजेंस होना चाहिए। हमारे पास टोटल 8 इंटेलिजेंस होती है, जो आप बीएड और एमएड अगर आप करते हैं तो गार्डनर ने जो हमारे को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी जिसके अंदर उसने 8 इंटेलिजेंसेस का जिक्र किया था, वो इंटेलिजेंसेस बेसिकली आपके इंटरेस्ट एरियाज को रेफर करती हैं कि आपका बच्चे का रियल जो इंटरेस्ट है वो किस दिशा में जाएगा। नेक्स्ट, ये लर्निंग मेथड्स हैं, इन पे भी मुझे लगता है ज़्यादा डिटेल में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कि लर्निंग मेथड्स इसलिए नहीं क्योंकि जब हम इसको ट्रेनिंग पार्ट में जाएंगे तो तब ज़रूरत पड़ेगी, लास्ट हम देख लेते हैं, ये भी और डिटेल में, ज़्यादा डिटेल चला जाएगा, हमारे पास समय की बहुत कमी है। नेक्स्ट, हाँ ये मैं बता देता हूँ।
जब जैसे अभिमन्यु का जिक्र चल रहा था तो ये समझिए कि सातवें हफ्ते से लेकर के और 28वें हफ्ते तक, यानी कि प्रेगनेंसी का 28वां हफ्ता 28th वीक तक, कहने का मतलब आप समझ लीजिए 7-1 महीने के करीब करीब पहुंच लीजिए, हमारे बच्चे का दिमाग तैयार होता है। और दिमाग के भी 8 लोब तैयार होते हैं। ये दिमाग है, इसके ये बीच में जो लाइन है लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, और इन लोब्स में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, न्यूरल कनेक्शन बोलते हैं उसे हम। जैसे आप रेडियो के, टीवी के अगर प्लेट को खोलकर देखोगे तो उस पर वो डॉट्स वो लगे होते हैं, कनेक्शंस बने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स की तरह, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं वो डॉट्स हैं, जैसे वो मेमोरी है, वो कनेक्शंस हैं, वही बताएगा कौन सा बटन दबने से क्या निकलेगा। वैसे ही हमारा दिमाग जो है वो भी एक तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की तरह ही काम करता है, और वो पूरा फंक्शनैलिटी उसकी ईएमएफ से ही चलती है, इलेक्ट्रॉन न्यूरॉन से ही चलती है, और वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक ही सिस्टम है बेसिकली। और हमारा एक न्यूरॉन जो है वो करीब करीब 10,00,000 सुपर कंप्यूटर जितना डेटा स्टोर कर सकता है अपने अंदर, एक न्यूरॉन। और हमारे ब्रेन में करीब करीब 100 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं, और वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम होता है, मतलब सारी दुनिया का नॉलेज इंफॉर्मेशन अगर हमारे दिमाग में स्टोर हो जाता है उसके बाद भी हम ज्यादा से ज्यादा 2-3% ही अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो मतलब हमारा मैक्सिमम दिमाग जो है वो स्टोरेज ऐसे, अदरवाइज अगर जैसे मोबाइल का ज्यादा डेटा अगर रैम ज्यादा भर जाएगी तो वो हैंग होने लग जाएगा ना अदरवाइज, तो हमारा मतलब मैक्सिमम पार्ट खाली रहता है बेसिकली। तो वो न्यूरल कनेक्शन इतना गजब होता है कि परमात्मा ने उसको जब बनाया, जैसे एक राइटर होता है वो किताब लिखते टाइम फ्रंट पेज पे लिख देता है इंडेक्स में कि मैंने चौथे चैप्टर में ये वाला पार्ट दिया है, पांचवें में ये वाले पार्ट पर लिखा है ना, चैप्टर का नाम लिखता है ना वो शुरू में ही, ऐसे ही कुदरत ने भी हमको ऐसा दिया है कि ये जो कनेक्शन बना है ये कनेक्शन ही मेरे इंटरेस्ट के लिए जिम्मेदार है, यही मेरे इननेट बिहेवियर के लिए जिम्मेदार है, किस मौके पर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, मेरे को कितनी बेइज्जती महसूस होगी, कितनी इज्जत महसूस होगी, मैं इज्जत के लिए काम करूंगा कि पैसे के लिए करूंगा कि अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए करूंगा या सोसाइटी के लिए करूंगा या केवल अपने लिए करूंगा, यह सारी चीजों के मैटर करता है जब हम जैसा ये कनेक्शन रहता है इस कनेक्शन के बेसिस पर। तो ये कैसा कनेक्शन हुआ हमारे दिमाग में, इसकी कॉपी वो हमारे हर जेनेटिक चीज के ऊपर देता है वो, यानी कि हमारा ब्लड भी उसके बारे में बता रहा होता है, हमारा रंग भी उसके बारे में बता रहा होता है, हमारा हमारा ठुड्डी का साइज, कई लोग होते हैं ना चेहरा देखकर ही उसका दिमाग बदलने का आइडिया लगाते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा, कई लोग कान देख के, खाली कान का साइज और टाइप देख के बताते हैं कि ये ना इस टाइप का बंदा होगा, कहीं सिर्फ नाक से लगाते हैं हिसाब किताब, कई लोग आंखों से लगाते हैं, लेकिन जो विजिबल है सबसे ज्यादा वो 4 जगह यूनिकनेस सबसे ज्यादा विजिबल है, एक हमारा आंख का रेटिना है, एक हमारी जीभ के ऊपर बने हुए पैटर्न है, एक हमारी पैरों की जो उंगलियां हैं 10 की 10 उंगली और अंगूठे इनके ऊपर है, और एक हमारे हाथ की उंगलियों पे जो ये पैटर्न बने हुए हैं सबसे ऊपर, ये सबसे ज्यादा विजिबल है। और इसकी जो शुरुआत है हेरमेटोग्लिफिक्स की, वो शुरुआत तब हुई थी जब ऑस्ट्रेलिया में 2 बच्चे पैदा हुए थे, वो ब्रेन डेड पैदा हुए थे बेसिकली, बहुत अर्ली ये 80s की बात है जब इसकी साइंस की शुरुआत हुई, क्योंकि मल्टीपल इंडस्ट्री थ्योरी 83 में दी थी डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने। तो इसमें जब बच्चे ब्रेन डेड पैदा होते हैं तो पता चलता है कि उन बच्चों के फिंगर्स के पैटर्न्स भी डेवलप नहीं हुए, जीभ के भी पैटर्न डेवलप नहीं हुए, रेटिना के भी पैटर्न डेवलप नहीं हुए, और पैरों की उंगलियों के भी नहीं हुए। तो वहां से ये क्लैरिटी आई कि दिमाग का जो न्यूरल कनेक्शन है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो है वो यहां से है। तो मैंने स्टार्टिंग जब की थी अपने इसकी तो क्रिमिनोलॉजी से ही शुरू किया था, क्योंकि मेरे कुछ जेलर दोस्त थे, मतलब सुपरिटेंडेंट थे जो जेल के, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करके उनसे फिंगरप्रिंट्स निकलवा लिए, और वो क्योंकि उनके पास रहते हैं, कई जगह साफ रहते हैं कई जगह नहीं रहते हैं, पर मैंने ये पता किया कि इनमें जो सबसे शातिर टाइप के जो क्रिमिनल्स हैं वो कौन से हैं,
और कोई गीत गात गाता है तो वो कौन सा है, कोई किसी की दीवारों के ऊपर ही पेंटिंग करने का शौक होता है जेल के अंदर ही, किसी को कुछ करने का शौक होता है, कोई दादागिरी करता है। तो मुझे वो पैटर्न की सिमिलैरिटीज को जब हमने कंपेयर किया तो बहुत बड़ा निकल गया, क्योंकि उससे पहले मैं बच्चों के ऊपर पहले से ही काम कर रहा था, इधर से मैं क्रिमिनल्स के ऊपर काम कर रहा था, इधर से मैं बच्चों पे कर रहा था, तो मुझे वो चीजें सारी की सारी एक दूसरे से मिलती हुई नजर आई। और पहले भी लोगों ने इसके ऊपर बहुत काम कर रखे थे, तो जब वो सारी स्टडीज मिलती हैं तो एक बड़ा रूप जो है वो रिसर्च का निकल के आया। और मैंने जब अपने रूम को मैं देखता था, उस टाइम पे मोबाइल्स वो नहीं थे कैमरे वाले, नहीं तो मैं आपको बताता कि कमरे के अंदर जो दूर तक ऐसे पैटर्न वाले ऐसे कागज ही कागज रहते थे चारों तरफ, और मैं ये वाला कागज उठा के भाग के वहां जाता, वहां वाला उठा के फिर वहां जाता, फिर ये वाले बच्चे इसके पास ये है कौन सा पैटर्न किस टाइप का है, तो वो पूरा का पूरा समझ देता है कि मालूम पड़ जाएगा कि इस बच्चे को ये वाली बात ऐसे समझ आएगी। तो टीचर को जोर लगाना ही नहीं है, मान लो बच्चे को ये टीचर को मालूम है कि ये वाली बात इसको समझ नहीं आनी तो मत बोलो, मालूम है कि ये वाली बात ऐसे समझ आएगी, ये वाली बात इस स्टेप के बाद समझ आएगी, ये वाली बात ऐसे ये बंदा समझा सकता है। क्योंकि ये भी आप देखिएगा, जब आप बच्चों से बिहेव करते हो, जब आप बच्चों से बात करते हो, डील करते हो, तो बच्चों के साथ बिहेवियर में आपको कई चीजें ऐसी नजर आएंगी कि एक बच्चा एक पर्टिकुलर आदमी की बात बिल्कुल नहीं मानता है, वही बच्चा वही बात दूसरे आदमी से कही हुई तो मान लेता है। मतलब देर इज ये पूरा एग्जैक्ट पैटर्न होता है, और हम पहले से ही पता लगा सकते हैं कि ये बंदा इस बंदे की नहीं मानेगा और ये बंदा इसकी मानेगा। तो बहुत सारे रिलेशनशिप में मतलब आगे आ जाएगा, दिस परफॉर्मेंस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, बेसिकली दिस इज प्योरली अ न्यूरो साइंस, न्यूरॉन्स की स्टडी को ही बोलते हैं। और नेक्स्ट चलेगा आपका इस जोमेटोग्लिफिक्स, चलता रहने दीजिए। इट्स अ प्रोसेस के ये चार पार्ट्स हैं जिसमें हम आते हैं, जिसमें पहला है टेस्टिंग, सेकेंड है एनालिसिस, एनालिसिस के बाद हम लोग एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं उसकी, और फिर उसके बाद में गाइडेंस पेरेंट्स को। गाइडेंस के में छह पैरामीटर्स पे हम लोग पूरा डिटेल में बताते हैं कि उसका इंटरेस्ट एरियाज क्या है, वो क्रिएटिव है कि लॉजिकल है, उसके मतलब IQ AQ CQ तो नहीं कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का ये इमोशनल कोशेंट है जिसका इंटर और इंट्रापर्सनल लो है, एक लेवल से लो होता है जिस बंदे का इमोशनल कोशेंट, हम पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि बच्चा हमारे पास 3 साल की उम्र में आया तो मैं अपनी डायरी में, मैंने क्योंकि शुरू शुरू में मुझे डर लगता था किसी पेरेंट को सलाह देते वक्त, अब मुझे उस बच्चे का 3 साल की उम्र में ही पता चल जाता था कि यह बच्चा सुसाइड करने वाला है अपने मतलब अपनी उम्र के 15वें 16वें साल में। अब मैं उस माँ बाप को कह नहीं सकता कि यह सुसाइड करने वाला है, ठीक है। तो अब मुझे, मैं ये कह नहीं सकता कि वह करने वाला है, सो आई नीड टू मॉडिफाई द स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं। अब मैंने लिमिट तो मुझे ही मालूम है ना, कहां पे जाके क्या करने वाला है। अब मैंने उसको फिर माँ बाप को एक बात कहनी शुरू की कि एक काम करिएगा, जब आपका बच्चा 10 साल की उम्र में इस तरह का बिहेवियर शो करने लगे तो मेरे पास आ जाना, और आना जरूर, क्योंकि तब हमारा उसका रेमेडी पे काम करना स्टार्ट होगा बेसिकली। या किसी बच्चे का 6 साल में शुरू होना है, किसी का 8 साल में शुरू होना है, रीजन क्या है कि हमको उस बिहेवियर से ही अंदाजा लगाना आना चाहिए हर पेरेंट को, हर माँ बाप, हर टीचर को, कि एक बच्चा है मान लीजिए आपके किसी सर्कल में छोटा सा बच्चा है जिसको ये नहीं मालूम कि कब रोना शुरू करना है, कितना रोना है, और बात पूरी होने के बाद भी रोते रहना है, ऐसा है किसी का बच्चा या कोई जानता है? ये वो बच्चा है, एक्चुअली बहुत कम लोगों में होता है ये, ठीक है। अब ये अगर इस टाइप का कोई बच्चा है तो मोर लाइकली जब आदमी के जीवन में एक दिन ऐसा आता है जब उसको लगता है मैं दुनिया में सबसे ऊपर हूं, और एक दिन ऐसा आता है जैसे सारे बुरे काम मेरे साथ ही हो रहे हैं, इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं, मतलब ये एक दिन पक्का हर किसी के, जितने लोग बैठे हैं ना सबके जीवन में वो टाइम, जो नौजवान बच्चे इनके जीवन में पता नहीं आएगा नहीं आएगा, अभी नहीं आया होगा, लेकिन जो हम लोग हैं सारे के सारे जो 40 के नजदीक पहुंच लिए, 30-40 की रेंज में, उन सबके जीवन में एक दिन ऐसा आएगा, आ चुका है सबका, कि उनको लगता है ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर। तो जिस दिन उस बंदे के आ गया उस दिन वो अगले दिन नहीं उठेगा, मतलब उसके उसको पास कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे बेसिकली ना। अब वहीं पर एक दूसरा बंदा है जिसका ये हाई है,
वो दुकान पे जाकर के अगर मतलब सुसाइड करने के लिए अगर सल्फास की गोली भी लेकर जाएगा ना, तो वो डॉक्टर को बोलेगा ऐसी दवाई दे दो जिससे खाली झाग निकलना चाहिए, मुझे इनको सबक सिखाना है, मरना नहीं चाहिए। वो कई बार गलती से मर जाता आदमी सबक सिखाने के चक्कर में। तो देर आर सो मेनी मतलब पैरामीटर्स, इसकी पूरी ट्रेनिंग है, मैं आपको पूरी ट्रेनिंग आप घर बैठे कर सकते हैं इसका पूरा डिटेल में। इसमें एक्वायरिंग सेंसिटिविटी जो आप कह रहे थे ना कि एक बंदा है जिसको हमने बोल दिया बच्चे को कि झूठ नहीं बोलना है, मालूम तो पड़ गया इन्फॉर्मेशन झूठ नहीं बोलना, जीवन में कब उतारेगा कैसे उतारेगा, दैट इज एक्वायरिंग सेंसिटिविटी, कि कैसे उतारेगा, वो कैसे समझेगा कि ये काम करना है और ये नहीं करना है, देयर इज अ पार्ट, उसका पूरा मालूम पड़ जाता है, फिर उसको किस तरह की चीजें करनी है, उसका लर्निंग मेथड क्या है, वो सब मालूम पड़ जाएगा। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन और गाइडेंस फेज में क्या क्या करना होता है, इसमें आगे चलिए। ये हमारा चार जगह पे काम करता है बेसिकली, करियर गाइडेंस में तो करता ही करता है, रिलेशनशिप में भी बहुत काम करता है, मतलब कपल कंपैटिबिलिटी में, प्री मैरिटल, हम शादी से पहले इसका हम एक वर्जन देते हैं कि इस दिमाग का इस दिमाग के साथ कितना बढ़िया रहेगा, इस दिमाग का इस दिमाग के साथ नहीं जमेगा, क्योंकि दिमाग को दिमाग से रहना साथ रहना होता है बेसिकली, कुंडली को कुंडली से नहीं रहना होता। तो ये इसमें प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल दोनों तरह की गाइडेंस में आता है। फिर ये प्रोफेशनल गाइडेंस में, एडोलसेंट पीरियड में बहुत सारी हेल्पफुल चीजें हैं कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन में टीचर रिक्रूट करना है, मान लीजिए मुझे ड्यूटी दे दी आचार्य देवव्रत जी ने कि हमारे स्कूल के अंदर टीचर अपॉइंट करो, तो मेरे पास तो इंटरव्यू के बाद वो शॉर्ट लिस्ट होके आ रहे हैं, ये तो मैं ऑनलाइन बोल सकता हूँ, वो शॉर्ट लिस्ट होके आ रहे हैं, मैं रिजेक्टेड रिजेक्ट, आचार्य जी ने मेरे को बोला तुम्हारे जिम्मे लगा दिया ना, एक भी टीचर सेलेक्ट नहीं होता, तुम रहने दो हम अपने आप देख लेंगे। मीन्स एक टीचर बनने के लिए आपके पास जो इननेट बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, वो अगर हम तरीके से देखेंगे तो मौजूदा वक्त में जो टीचर्स हैं हमको सब निकालने पड़ेंगे, मतलब टीचर है ही नहीं है बेसिकली, वो सर्विस क्लास है, वो नौकरी करने आते हैं, उनका टीचिंग का जो पैशन जो टीचर का होता है ना वो अलग ही होता है, और वो हम एग्जैक्ट में कौन टीचर है, कौन किस पोजीशन के लिए बना है, कौन एक्चुअली जो जिस पोजीशन के लिए बना आप उसको दे दो, मैं गारंटी से कह सकता हूं वो आदमी समय का चक्र भूल जाएगा। अगर आप वही काम कर रहे हो जिसके लिए आप बने हो ना, तो आपको समय भी नहीं ध्यान रहेगा, आपको उससे क्या मिलता है फायदा, आप वो मतलब आपको उसका लाभ नहीं देखोगे आप, उसके बाद आप सिर्फ ये देखो मुझे मौका कब मिले ये काम करने का, वो काम करने का मौका ढूंढता है अगर वो पैशनेट हो आप उस काम के, अगर आप पैशनेट नहीं हो तो बचने का मौका ढूंढते हो कि यार किस तरह पीछा छुड़ाया जाए। तो यहां पे हम बच्चों को उस तरह की जिंदगी देने की वकालत कर रहे हैं जिसमें बच्चा पैशनेट हो अपने काम के लिए जो भी वो करे, इवन स्कूल जब जाए तो स्कूल जाने से पहले उसके अंदर जो है वो आग हो कि मुझे स्कूल जाना है, और वो केवल तब होगी जब उसे स्कूल में वो मिलेगा जो उसका इननेट मांग रहा है, जो उसका दिमाग, जो उसका अंदर से जो उसकी आग वो मांग रहा है, जो उसका अंदरूनी पार्ट मांगता है, अगर वही स्कूल में मिलता है तो बच्चा मतलब रह ही नहीं सकता है घर में, वो छुट्टी के दिन भी रहना मुश्किल है उसके लिए। नेक्स्ट, ये इन्फ्लुएंस का सर्कल है, इसकी जरूरत नहीं है, यू ऑल नो वेरी वेल, ये भी सब मैं लगभग बोल ही चुका हूँ, नोइंग योर सेल्फ ये भी छोड़ दीजिए, इस पे भी पार्ट पे छोड़िए। इसमें बस मोटा मोटा तौर पे हम ये कहते हैं कि स्कूल को अगर स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे तय करेंगे, देखिए स्कूल में अगर सही तरीके से अगर मेरे को ईमानदारी से पूछा जाए तो हमारा जो ड्रीम स्कूल है वो कैसा होगा कि अगर मैं इस बिल्डिंग को ही स्कूल मान लेता हूँ तो मेरा टीचर पैशनेट है और वो पूरा दिन भी पढ़ाने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मुझे अगर इस फील्ड पे काम करने को दे दिया जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पावर नहीं चाहिए, आपकी इज्जत नहीं चाहिए, आप बेइज्जती करोगे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो अपने को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई लव माई जॉब, मुझे अपना पूरा 24 घंटा मैं आनंद में रहता हूं, तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि इससे मुझे क्या मिल रहा है और मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, सो मैं अपना काम अपनी मस्ती में मस्त कर रहा हूं, यहां पे नहीं आप करने दोगे मैं किसी गांव में जाके बोलने लग जाऊंगा, वहां पे नहीं कोई बोलने देगा मैं अगले में बोलने लग जाऊंगा, वहां पे नहीं देगा मैं अगले में, बिकॉज मेरे को मजा आ रहा है ना, इसमें मजा आ रहा है, और कोई नहीं होगा तो मैं ऐसे ही खड़ा होकर के चौक के ऊपर बोलने लग जाता हूं, कोई आए ना आए सुने ना सुने कोई चक्कर नहीं, अपने को अपन
आनंद में भाई, ठीक है ना, अपने को मजा आ रहा है ये बात बताने में, क्योंकि ये बात अपने को उधर से आती है, नहीं बताएंगे तो अंदर पागल घुट जाएंगे ना, तो ये निकलती जाएगी उधर से जो आ रहा है, निकलता जाए बात खत्म, सब सफाई होती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं मेरी एक पता नहीं किसने ना वीडियो बना लिया, असल में मैं एक बार क्या कर रहा हूं, जब कोरोना के टाइम पे लोग लाइनों में लगे हैं फड़े हैं, मैं बोलूं मैं कुछ नहीं होने वाला है, तुम चाहे कुछ भी कर लो, तो मेरे को अभी दोस्त बोलते कहते आपकी वो वाली वीडियो देख रही, मैंने कहा कौन सी वाली, कहते मैंने फिर मेरे को दिखाई, मैं कहा यार इसमें तो कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा यार, मेरे को कोई सुन भी नहीं रहा, मैं कहा इसको मत दिखाइयो किसी को, कहते ये तो इतनी वायरल हुई थी। बेसिकली क्या है, आपको एक बात अंदर से आपको आई है एंड यू नीड टू डिलीवर इट। बेसिकली अगर आप सचमुच अल्लाह के बंदे हो, अगर आप परमात्मा में भरोसा रखते हो, तो परमात्मा आपसे करवाएगा, आप रुक ही नहीं सकते, जबरदस्ती करोगे आप, मतलब आपके बस की बात नहीं है। और हमारे तो साथ में कोई आता है, जैसे हमारी टीम में आता है, तो हम तो एक ही गीत गाते हैं कि ना जाई मस्ता दे वेड़े मस्त बना देंगे बीबा, कि हम तो जैसे मस्त हैं वैसे ही मस्त लोग हमारे साथ एडजस्ट कर पाते हैं। मस्त कौन, मतलब जो भी अपने काम को पैशनेटली मस्ती से कर रहे हैं, बिकॉज मस्ती ही जीवन है, मस्ती ही मतलब आपने अगर जिंदा रहते हुए जिंदा रहने की फीलिंग नहीं करी है तो देर इज नो लाइफ एट ऑल, और वो केवल तब आएगी जब आपके 24 के 24 घंटे पैशनेटली गुजरेंगे, और पैशनेटली आप वही कर पाएंगे जिसके लिए आप बने हो। सो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम सिंपली यही करने वाले हैं कि माँ बाप को बता दिया कि तुम्हारा भी ये टैलेंट, बच्चे को भी बता दिया, टीचर वही हमारे पास है ये जो पैशनेट है, टीचर को फिर बताने, जो इनबॉर्न टीचर है ना उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसे क्या करना है, आप किसी अच्छे गुरु के पास गए हो, जब भी कभी आप अच्छे गुरु के पास गए होंगे, सबसे बेस्ट जो गुरु होगा, जिसका ऑरा आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो सबसे कम बोलता होगा, आप देखेंगे, आप उसको पूछेंगे गुरुजी ये कर ले, हो गया कर लो, फिर दूसरे गुरुजी ये करने का मन कर रहा है कर लो, करके देखो, बच्चा आ रहा है कोई दूसरा बच्चा आ रहा है जी वो करके देखेगा, बोलेगा जी करिए ना, दिक्कत क्या है भाई, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए तो कुछ भी करो। अब वो कई बार आकर के वो शिष्य जो है वो गुरु को आके टोकेगा, आपने मुझे पहले नहीं बताया, वो बोलेगा मुझे मालूम था, पहले क्यों नहीं बताया, अपना अनुभव ही होता है, परमानेंट हो गया, अब और करो, अब उसके बाद मालूम पड़। सही गुरु कभी भी रास्ता खुद नहीं बताता है, ही एनकरेजेस टू डिस्कवर योर ऑन पाथ, क्योंकि गुरु को अगर अपना रास्ता मिल भी गया है, उसे वहां से मिला है ना जहां गुरु खड़ा था, तो अगर गुरु वो बताने लगेगा कि आपको मेरे वाले रास्ते पे आना, तो पहले आपको गुरु बनना पड़ेगा, वहां आना पड़ेगा, वहां से वहां जाना पड़ेगा। सो हर किसी का अपना रास्ता अलग अलग है, एज वी से कि यूनिकनेस है हमारे अंदर, और यूनिकनेस को आप अपने अनुभव से ही निकाल सकते हो, इट्स ऑल स्पिरिचुअलिटी बेसिकली, अगर कही जाए इट्स अ साइंस, इट्स अ स्पिरिचुअलिटी, इट्स नेचर, इट्स बेसिक, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, इट्स न्यूरो साइंस, इट्स मतलब एनीथिंग यू से, बट असल बात यह है कि हमको कुदरत के साथ सिंक्रनाइजेशन में काम करना है। जितना हम अपने स्कूली सिस्टम को कुदरत से सिंक्रनाइजेशन में ला पाएंगे, उतना ही आनंद पूर्वक सभी अपना काम कर पाएंगे। माँ बाप टीचर के पास बच्चे को छोड़कर भूल जाएंगे, बच्चा स्कूल में आकर भूल जाएगा, जाना भूल जाएगा, अध्यापक बच्चों के बीच रह के मजे में काट रहा उस वो छुट्टी करना भूल जाएगा, वो सीखते रहेंगे, वो सिखाता रहेगा, यही जीवन का मकसद है, 24 घंटे लगे रहे उसी काम में। जैसे ही वहां से करना क्या है, बच्चे का जो रियल टैलेंट है, उस रियल टैलेंट को इकोनॉमिक मॉडल में बदलना इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। वही क्लास के अंदर ही, क्लासरूम कंडीशन में ही हमारा चौथी पांचवी क्लास का बच्चा अपने लिए आजीविका कमाने लग जाएगा, यदि हम उसको पैशनेटली वो काम सिखा रहे हैं तो। और ये जितनी भी स्किल्स हैं, जितनी भी चीजें हैं हमको जीवन के लिए चाहिए, वो सब की सब अपने विद्यालय में ही अपनी तैयार करना सीख जाएगा, फिर ना उसको सांप से डर लगेगा, ना बिच्छू से लगेगा, ना शेर से लगेगा, ना लड़ने से लगेगा, ना बोलने से लगेगा, ना जनता से लगेगा, ना सरकार से लगेगा, ना उसको अपने जीवन से लगेगा, जीवन में करना क्या है उसको बताने की जरूरत नहीं, उसे मालूम है कि अपन 50-60 तो फोड़ ही लेंगे, क्यों जी मतलब उसको मालूम है यार अपने को सर्वाइवल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कैन यू इमेजिन, मेरे पास आधार कार्ड नहीं है,
मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, मैंने नौकरी छोड़ी थी, उसके 2 साल बाद मैंने अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करना बंद कर दिया कि मुझे अगर मैं अगर सही काम कर रहा हूं तो तेरे भरोसे है, आई डोंट नो कैसे चलेगा। और मैं एक पैसा सेविंग नहीं करता हूं, मैं एक पैसा सेविंग नहीं है मेरे पास, अगले महीने मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा आई डोंट नो। और ये मैं उस लाइफ से आया जहां पे 2 साल की अपॉइंटमेंट थी मेरी मिलने की, मेरे से मिलने के लिए लो मंत्री शंत्री सब कोई भी है, भाड़ में जाओ अपन अपनी मस्ती में मिलेंगे भाई, क्योंकि अपन मौज कर रहे हैं ना, अभी भी अपन अपनी मस्ती में ही है, अभी भी हम वही काम करते हैं जो अंदर से आवाज आती है, जो अपने करने का मन करता है। बट नाउ वी आर नॉट बाउंड टू एनीथिंग, और ये मेरा प्रण है कि हम कभी आप मेरे बैंक अकाउंट में कभी पैसा नहीं करवाने वाले हो, कोई भी आदमी दुनिया में कभी भी, और ना मेरे नाम पे एक स्क्वायर गज भी जगह है, और ना मैं कभी मकान बनाने वाला, ना मैं घर बनाना, ना मैंने फैक्ट्री बनानी, ना मैंने कुछ बनाना, बिकॉज वी डोंट नीड दैट बेसिकली जीने के लिए ना, जीने के लिए हमको बैंक अकाउंट और पैसे नहीं चाहिए, जीने के लिए अपने को स्किल चाहिए, अपने ऊपर भरोसा चाहिए और ईमानदारी चाहिए। व्हेन यू हैव द पावर ऑफ योर वर्ड्स ना, आपके शब्दों में अगर ताकत है और ईमानदारी है, आपके ऊपर सारी दुनिया भरोसा करती है। मैं पूरी सोशल बैंकिंग करता हूं, पूरी सोशल बैंकिंग, मेरे पैसे पड़े रहते हैं लोगों के पास कि मैंने किसी का काम किया, उसने मेरी फीस देनी है, मैं कहता हूं पड़े रहने, जब जरूरत पड़ेगी मांग लूंगा, अगला कहता है नहीं दूंगा तो ना दियो, इसमें तेरा भरता होगा तो मत दियो, बस क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास स्किल है, मैं फिर जब मेरा जी करे, जब मेरी भूख जागेगी मैं कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बट नाउ आई नो कि जो आपके अडानी साहब रोज का 10,000 करोड़ रुपया कमाते हैं उसका अभी तक नहीं भरा है, अंबानी है वो इतने हजारों करोड़ रुपए कमा लिया उसका अभी तक नहीं भरा है, जिनका पावर का नहीं भरता, जिसका पैसे से नहीं भरता, उसका भरता ही नहीं है साहब, ये भूख नहीं मिटती है, भूख एक ही चीज से मिटती है, व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग। एंड आई लव माय जॉब, आई लव माय लाइफ, आई लव एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माय डे, तो मैं काहे को चिंता करूं कल की भैया, मैं आज की, और मैं ऐसी ही दुनिया बनाना चाहता हूं, और ऐसा ही स्कूल बनाना चाहता हूं, और ऐसे ही विद्या बनाना चाहता हूं, और ऐसा ही स्कूल बनाना, मतलब इसी तरह का मेरा जीवन चाहता हूं। तो आप सब लोगों में ये और बच्चे हैं हमारे, जो उसी टाइम की बात है, पीछे यशस्वी का था मेरे ख्याल से, है ना, हाँ इससे आगे होगा, ये बस देयर, ये तब का, ये मैं जब पीएमओ में गया था तो ये प्रेजेंटेशन तब की थी, छोटा सा था तब तो ये, नाउ ही इज, ये जानवी थी उसी टाइम पे, ये छोटी थी तब तो, इसने 12 साल की उम्र में 12वीं कर ली थी जानवी ने। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, बट मुझे लगता है जरूरत नहीं है, हम लोगों को आइडिया आ गया है कि हम किस दिशा में जाने की ट्राई कर रहे हैं, और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हैं यू आर मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू सर, सबसे पहले तो हरे कृष्ण सर का मैं धन्यवाद देता हूँ, मैंने कम से कम ये 34 इयर्स इज रनिंग इन एडुकेशन, लेकिन लगा कि सही मायने में शिक्षित आज हुआ, तो प्लीज़ एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। और शर्मा सर को पहली बार सुना और इतनी क्लैरिटी आई, और बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हम भारत में पैदा हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में वो हमने इनसे सीखा, अशोक जी से सीखा कि बच्चों को किस तरह से सिखाना है, पढ़ाना है, या भारतीय शिक्षा कैसे है और कितने कम पैसे में हो सकती है, उसके लिए पैसे और इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ज़रूरत नहीं है, और बेस्ट पेरेंटिंग के गुण हमें बालाजी ने बताए। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आपने बोला कि मैं 3 साल का जब बच्चा आपके पास आता है यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि ये इतने साल में जाके सुसाइड करेगा, माय क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडुकेशन एंड ट्रेनिंग इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। मैंने मेरे ख्याल से अपनी पूरी बातचीत में ये बताया है कि एजुकेशन का ही रोल है बेसिकली। देखिए क्या होता है, जो मैंने ये पैरामीटर्स बताए हैं, इन पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती है, उनको कोई छेड़ नहीं सकता है, और उसमें वो सुसाइडल वाला पॉइंट नहीं है, तो उसको मॉडिफाई किया जा सकता है बेसिकली। शुरू शुरू में मुझे बड़ा दुख हुआ था कई बच्चों का, मुझे मालूम लग गया था कि ये करने वाला है, अब मैं मान लो बताता हूं तो माँ बाप को कैसे बताऊं, और मतलब इनफैक्ट आई डिडंट नो कि मेरे ना बताने से क्या होगा, और वो 2 बच्चों ने तो एक्चुअली सुसाइड कमिट कर लिया,
और मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था, जो 2017 में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को अटैक किया था, रियान स्कूल में एक बच्चे को मार दिया था, वो मैंने अपनी डायरी में 2012 में लिखा था कि 10 साल बाद 2021-22 में ये होने लगेगा। एक्चुअली वो 17 में हो गया, क्योंकि जो पैटर्न जो चेंज होता है, वही जो अशोक जी ने बताया कि अगर आपका भूत और भविष्य मालूम है तो आपको मालूम है आप किधर जा रहे हो, आपका मुंह पता है, पैरों की चाल पता है किधर जा रही है, तो मालूम है किधर किस गड्ढे में जाके मरने वाले हो, पहले बढ़ जाएगा ना। तो ऐसा करके हम समय से पहले मालूम पड़ जाता है। तो एजुकेशन का इतना बड़ा रोल है कि उसके 2-3 पार्ट्स भी काम करना होता है। जब आप इस, मेरी एक बेसिक ट्रेनिंग है, मेरा एक चैनल है निडर इंडिया करके, या तो आप वहां से, नहीं तो आप मेरा नंबर भी आप नोट कर लेंगे, यहां भी मिल जाएगा, मैं आपको ग्रुप बनेगा तो मैं उस ग्रुप में भी वो ट्रेनिंग डाल दूंगा। हर पेरेंट और हर टीचर अगर उस ट्रेनिंग को कर लेता है, आपको दुनिया में किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपके बच्चे के पास क्या स्पेशल है। मतलब वो ट्रेनिंग पहले मैं प्रोफेशनली करता था, प्राइवेट स्कूल्स में करता था, टीचर्स को सिखाने का 10.5 लाख रुपए अलग से लिया, सेमिनार करने का 3.5 लाख रुपए अलग से लिया, अपर बच्चा करने का अलग से लिया, वो सारा टीम में बांट दिया करता था, मैं खुद नहीं रखता था। मतलब मेरे इससे, क्योंकि मेरा तो रूल है कि मैं पैसा ये अपने लिए लग्जरी नहीं खरीदूंगा, तो सब मैं समाज को ही लगा देता होता था, बट मैं लेता था पहले। लेकिन अब फिर मैंने एक चीज नोटिस किया कि फिर जब मैं गाँव को दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप भी ले लो, सभी ले लो फिर, तो जिसको लेना है ले लो, मेरी जरूरत पड़े तो मेरा इस्तेमाल कर लो, जहां मुझे मेरी जरूरत पड़े मुझे आप ले जाओ, बट एक्चुअली आपके कोर जो मतलब इसमें वैल्यू ये रहनी चाहिए कि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं। तो आई डोंट नीड योर मनी बेसिकली, आई नीड योर कन्विक्शन फॉर द सोसाइटी, मेरा जो कंसर्न है। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसका रोल ये है कि सिर्फ टीचर को यह मालूम होना चाहिए कि आपको अपनी ट्रेनिंग में या अपनी टीचिंग में इस बच्चे से बात करते हुए ये 2-3 डायलॉग बोलने हैं। वो हर पर्सनालिटी के हर बच्चे को बोलने वाले डायलॉग अलग हैं, वो जब उनकी पर्सनल काउंसलिंग होती है तो पता चल जाता है, और जब आप उस ट्रेनिंग को करोगे तो आपको सारा चीजें पता चल जाएंगी उसके अंदर, कि इतना जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद में आपको आपके डायलॉग्स कौन से होने, कौन सा डायलॉग किस बच्चे पर क्या। अभी आपने बोल दिया एक बच्चे को, अरे ये दूध नहीं पी सकता, नहीं पी सकता, अब तो पी के दिखाऊंगा, और वो पूरा पी जाता है। एक दूसरा बच्चा ये नहीं पी सकता, अच्छा नहीं पी सकता, ठीक है फिर नहीं पीता, वो ऐसा भी कर सकता है बिहेवियर। सो आपका सेम डायलॉग 2 अलग अलग बच्चों पे एक अलग अलग रिएक्शन शो करेगा। इसी तरह से आपका बच्चा किस टाइप का है, कितना परसेंटेज है, क्या है, क्वांटिफाई किया जा सकता है कि नहीं किया है, उसका किस तरह का फिलहाल का बिहेवियर है, तो उसके बेसिस पर कुछ डायलॉग्स डिलीवर करने होते हैं, वो आपको ट्रेनिंग में एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएंगे। आप जो, जी जी ठीक है, आवाज आ रही है, आप करिए, आप जो स्टडी कर रहे हैं, मतलब पास से करिए, हेलो, आप जो स्टडी कर रहे हैं वो ये फिंगरप्रिंट की तरह परमानेंट है या तो हस्तरेखा की तरह बदलती रहती है? अगर आप कुछ उसमें क्यूरेटिव स्टेप्स लेते हैं तो वो फिर से बदल सकती है कि नहीं बदल सकती है? देखिए, आप अभी क्या हैं, आपने बचपन से लेके अब तक क्या कर लिया, क्या सीख लिया, वो केवल आपका बिहेवियर से कोई अंदाजा लगा सकता है, आप या मैं, मतलब कोई भी बंदा। जो ये स्टडी है ये परमानेंट है। ये क्या स्टडी है कि आप कैसा टैलेंट लेकर पैदा हुए हैं, इट्स नॉट कि आप अभी क्या हैं, अभी की पोजीशन नहीं बता रहे हैं। इससे यह मालूम पड़ता है कि आपका नेचुरल क्या है, क्योंकि मेरा कोर एरिया क्या है, मैं क्या चाहता हूं कि मैं जैसा पैदा हुआ हूं, मेरे टीचर और मेरे मां बाप का रोल है मुझे ऐसा ही रखना और मेरे हिसाब से समाज तैयार करना। असल में तो हमारा रोल यह है ना। दिक्कत क्या हो रखी है कि हम अपनी सुविधा का समाज हमने बना दिया और बच्चे को उसमें फिट करने की कोशिश की जा रही है। यहीं से सारी समस्याओं की जड़ है, यही सब 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 गड़बड़ यहीं से हो रही है। तो अल्टीमेटली हमको क्या करना है कि बच्चा जैसा पैदा हुआ उसको जो माहौल चाहिए, अगर आप वो नहीं देंगे तो वो वैसे ही मुरझा जाएगा, जैसे यहां के पेड़ को आप पहाड़ पे ले जाकर लगा दोगे और वहां कहोगे कि तू उगता नहीं है, तेरे को सारा खाद दे दिया, सारा पानी दे दिया, तेरे को ये दे दिया, तू उग क्यों नहीं रहा, वो उस माहौल का है ही नहीं भैया, तो उसको क्यों दे रहे हो आपको। तो मेरा जो ये कंसर्न है ये है कि आप कैसा दिमाग, कैसा टैलेंट, कैसी पर्सनैलिटी लेके पैदा हुए, फिर आपके ऊपर जो काम किया गया, वो काम जो क्यूरेटिव जो एक्शन लिए और उसके बाद जो काम किया
वो कितना सीखा वो आपको भी मालूम पड़ेगा, आपके घर वालों को भी पता चलेगा, और उसको क्वांटिफाई करने के फिर साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं, फिर ये वाला मेथड नहीं चलेगा उसमें। किसी भी एज में नक्की हो सकता है कि अभी हम डिसाइड करना चाहे कि व्हाट वेंट रॉन्ग। यस या एनी टाइम मेरे पास रिटायर्ड लोग आते हैं। अभी एक हमारे पास रिटायर्ड एक पर्सन आए, मैं आपको बताता हूं, उनको मैंने बोला अभी वो किसी हमारे जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे हरियाणा के, उनके साडू साहब थे, वो आए, वो कहने लगे कि डॉक्टर साहब मेरे पास सब कुछ है, फैक्ट्री है, नौकर चाकर हैं, पैसा है, दौलत है, बट वो हैप्पीनेस नहीं है अंदर, मतलब मज़ा नहीं आ रहा जिंदगी में, ना क्या किया जाए। तो मैंने निकाला, मैं अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप 65 साल के या 60 साल के 50 साल के हो गए हो तो आप यू टर्न लेके पीछे जा करके तो आगे ठीक नहीं कर सकते, जिस पोजीशन में आप हैं यहीं से आगे कुछ करने का। तो उन सारे पार्ट में से जो चीज़ निकल के आई वो दो चीज़ें निकल के आई कि वो पैदाइशी राइटर थे बहुत अच्छे, ठीक है, और पोएट थे। तो मैंने कहा कि भाभी जी को कविताएं गाने नहीं सुनाते हो क्या? अरे सुनाता हूं ना, पर वो कहते हैं इस उम्र में तुम्हारे को मस्ती चढ़ी होती है तो फिर मेरे को बंद करना पड़ता है, तो फिर और कहीं नहीं जाते हो? नहीं जाते हैं। तो मेरे को, मैंने कहा एक काम किया करो, आप आधा घंटा लिखा करो। उन्होंने कहा यार मैं तो लिखता रहता हूं सारा दिन ही अकाउंट बुक में। अरे वो लिखना नहीं है, उसमें अपने दिमाग का कबाड़ निकल लिखना है आपने, बिजनेस और जिंदगी नहीं लिखनी है, जो अंदर चल रहा है वो लिखना है, कुछ भी लिखो, मतलब हार्डली मैटर्स क्या लिखना है, बट जो अंदर फीलिंग आ रही है वो लिखनी है। बोला इससे क्या होगा? मैंने कहा ट्राई करके देखो, अपने जीवन का फिक्स कर लो टाइम, 9 से 9:30, 9:30 से 10:30, जो भी टाइम आपको लगता है वो फिक्स करके देख लो। तो उसने बोला ठीक है मैं शाम का टाइम। मैं कहा एक काम करो, मेरे कहने से जैसे डॉक्टर कहते ना 3 दिन की दवाई ले जाओ आराम होता है तो फिर देख लेना, तो ऐसा करके मैंने उसको बोला एक हफ्ता ट्राई करके देखो, एक हफ्ते बाद क्या रहता है फिर आगे मिलना फिर देखते हैं। तो एक हफ्ते बाद कहता यार कुछ अब मेरे को मैं अब 1.5 घंटा कर दिया मैंने लिखना, तो मेरे को पढ़ने का भी मन करता है। तो मैंने कहा अब एक काम करो, थोड़ा सा महीने में 2 दिन अपना जो उधर वाला फार्म हाउस है कसौली वाला वहां भी जाया करो एक बारी, तो वहां कुछ मत किया करो, अकेले बस बैठ के आ जाया करो, जो दिमाग में लिखते रहा करो। वो मतलब बंदा अब लिख ही जा रहा है अब बंदा। वो कहता यार ये पहले क्यों नहीं किया मैंने, अलग ही लाइफ हो रही है, कुछ नहीं करना उसको, बस जो अंदर आ रहा है वो निकले। क्योंकि असल में क्या है, हम भर तो बहुत कुछ रहे हैं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, और जो आएगा वही निकलेगा तो मजा आएगा, मतलब आए कुछ और जाए कुछ और फिर दिक्कत, वो भी दिक्कत आ जाएगी। एक्चुअली जो कुदरत दे रहा है वही आप डिलीवर करते जाओ, आनंद आना स्टार्ट हो जाएगा कभी भी एनी टाइम। एक स्कूल में 1000 बच्चों के लिए कितने एनालिस्ट चाहिए, नंबर वन। दूसरा, आपने जैसे बोला कि टीचर को भी पसंद करने के लिए उसको चेक करना पड़ेगा कि वेदर ये इस फील्ड के लिए फिक्स है कि नहीं, यस यस। तो कितने आदमी में से एक आदमी ऐसा निकलता है जो ये सीख सकता है? और तीसरा, हाँ। तीसरा कि जैसे आप एक्सपर्ट है इस फील्ड के, स्कूल में नया ट्रेनिंग लेके कोई तैयार होगा इंस्ट्रक्टर या तो एनालिस्ट, तो वो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो डू यू सजेस्ट कि सेकंड ओपिनियन भी लो कि एक से ज्यादा एनालिस्ट रखा जाए ताकि एरर ऑफ जजमेंट उसमें नहीं हो? नहीं, इसमें मैं बताता हूँ, इसमें रिपोर्ट्स तो मैं ही तैयार करता हूँ, इसमें मैं वो किसी और को अभी फिलहाल मैंने दिया नहीं है चार्ज, तो इसलिए उसका जो क्वांटिफाई करने वाला पार्ट है वो तो गलत होने का चांस है नहीं, रिपोर्ट उधर से ही तैयार होके आएगा। स्केल पे मतलब यू आर कितने का भी हो वो कोई दिक्कत नहीं, आई हैव दैट टूल, वो मेरे को मालूम है क्या करना। और ये इसका कुछ आपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाया है कि वो मेरे वाला सॉफ्टवेयर मैं किसी को नहीं देता हूँ, आप अपने स्कूल के लिए चाहेंगे तो आपका मैं बनवा दूंगा, आपके वाले जो भी आईटी का एक्सपर्ट होगा उससे, और डाटा मैं दूंगा, सब कुछ मैं दूंगा, मतलब मैं ही दूंगा, बना दूंगा। और ये जो टीचर ट्रेनिंग, अब मैं टीचर वाला आता हूँ, मैं उस पे पॉइंट पे आता हूँ आपके, 1000 ड्यूरेशन कितना रहता है ट्रेनिंग? 1000 बच्चों पे आपने बोला है, तो 1000 बच्चों पे आप कितना ड्यूरेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कितने ड्यूरेशन में करना चाहते हैं और आपके पास स्पेस कितना है। जैसे एक बच्चे का एनालिसिस जो मैं करके दूंगा उसके बाद हर पेरेंट से बात करने के लिए कम से कम 2 या 3 घंटे चाहिए, यानी दिन में अगर 10 घंटे कोई बंदा बैठता है तो एक काउंसलर 5 पेरेंट्स को दिन में मैक्सिमम काउंसिल कर सकता है।
तो आप रोज के अगर 100 करना चाहते हो तो 20 काउंसलर बिठा लीजिए, अगर आप रोज के 50 करना चाहते हो तो 10 बिठा लीजिए, तो आपके ऊपर है कि आप कितने दिन में उसको फिनिश करना चाहते हैं। ट्रेनिंग देने का काम मैं करूंगा और सुपरविजन भी मैं ही रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात दूसरी कि टीचर्स की बात जहां तक आती है, स्कूल में जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं अगर वो ये मानते हैं कि हमें पढ़ाते हुए 20 साल हो गए और ये कल का लौंडा आके हमें समझाएगा, वो टीचर्स तो पहले ही निकल जाएं तो बढ़िया है। क्योंकि टीचर का मतलब 24 घंटे के लर्नर के तौर पे, जो अभी अशोक जी ने भी बोला कि वो भी स्टूडेंट होता है एक्चुअली। टीचर जब तक स्टूडेंट है तभी तक टीचर है वो, जब तक वो सीख रहा है तब तक सीखने को वो तैयार है। अगर वो सीखने को तैयार नहीं है तो पहले ही निकल जाए, अगर वो सीखने को तैयार है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो टीचर बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो बेस्ट जो तरीका रहता है करने का कि आपके यहाँ अगर प्राइमरी स्कूल का है तो पीआरटी के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं और बीएड के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, तो बीएड के ट्रेनिंग सेंटर में कोई नया बच्चा जिसने ज्वाइन किया हो उनको एज एन अप्रेंटिस हम लेके, कि तुम्हारा नाम वहीं चलता रहेगा त्यार तुमको हम करेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग अगर उनको बेसिक स्कूल में प्रैक्टिकल मिल जाए तो वो एक बहुत गजब के टीचर बन के निकलते हैं, जिनमें जन्मजात टैलेंट है वो निकल जाए और पता चल जाए। बाकी आमतौर पर ऐसा रहता है कि अगर वो एक्चुअली टीचर बनना चाहता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, सैलरी का लालच देके किसी को टीचर बनाएंगे तो उसका फोकस सैलरी पर रहेगा। वो टीचर बनना चाहता है, पहली बात तो ये सेंस ही अभी फिलहाल समाज में नहीं है, क्योंकि किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बड़ा किया ही नहीं इस सेंस के साथ कि तुमको बड़ा होकर टीचर बनना है। उनको वो तो टीचर तो मतलब जब वो क्लर्क वाला भी पेपर पास नहीं कर पाता तब सोचता है चल बीएडी कर लेता हूँ, दिक्कत उसके साथ ये आ रखी है। तो अगर वो ऐसे लोग मिल जाते हैं, बल्कि जब हम इसको मूवमेंट बनाएंगे ना तो अब खूब लोग आएंगे, ऐसी बात नहीं। जैसे मुझे पिछले 7 साल से मैं टीचर्स की अपॉइंटमेंट करता जा रहा हूं कि मुझे ये वाला बंदा चाहिए, जब मैं अपना इंस्टीट्यूशन शुरू करूंगा तो मुझे ये चाहिए, ये किसी भी कीमत पर चाहिए, ये मुझसे बोलेगा तुम मुझे 2 लाख रुपया महीना चाहिए तो मैं दूंगा इसको, ये वाला बंदा मुझे फिलहाल चाहिए, शुरू शुरू में चाहिए। तो वो मैं अपॉइंटमेंट 7 साल से करता आ रहा हूं कि मुझे एक पेरेंट्स की, हर पेरेंट्स की कुछ अपेक्षाएं होती है और हर बच्चे में कुछ 3-4 फील्ड की लाइकिंग होती है, तो ये कितने परसेंट मैच होती है पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन और बच्चे में जो हिडन स्किल्स लाइकिंग जो है उसमें मैचिंग का परसेंटेज क्या होता है? ये टोटली डिपेंड करता है, टोटली इस चीज पर डिपेंड करता है कि माँ बाप क्या सोच करके आए हैं और काउंसलर कितना बढ़िया है। मैंने शुरुआत के जो पहले 2 साल जब पेरेंट्स को समझाना शुरू किया प्रोफेशनली, उन 2 सालों में कुछ पेरेंट्स ने मेरी बातों को माना नहीं और अब उन्होंने मुझे टेस्टिमोनियल बनाकर दिए स्पेशली कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि हमने डॉक्टर साहब की बात को इग्नोर किया। क्योंकि मैं अपनी जब काउंसलिंग करता हूं तो मैं रिमार्क में लिख देता हूं कि ये पेरेंट यहां तो कह रहा है कि मैं समझ गया लेकिन ये अभी माना नहीं है, ये अभी अंदर से कन्विंस नहीं हुआ है तो ये फॉलो नहीं करेगा, इसने अगर ये किया तो इसका बच्चा यहां तक जाएगा, इसने अगर ये फॉलो किया तो इधर जाएगा, ये मैं 4-5 पॉसिबिलिटीज लिख के रख लेता हूं। और जैसे ही अगली बार पेरेंट की कॉल आती है तो मैं उसको वो कॉपी दिखाता हूं, मैं इनमें से तुमने कौन सा किया था, वो बोलेगा ये 3 नंबर वाला, मैं कहा यहीं पर है तुम्हारा बच्चा, हाँ यहीं पर है, तो फिर तुम माने क्यों नहीं थे, तब इतनी अकल नहीं थी तो अब मान लो, तो फिर मानता है। क्योंकि अभी किसी ने 7 साल पहले मेरे से काउंसलिंग करवाया तो मैं किसी पेरेंट को जब भी कोई काउंसलिंग करता है तो मैं उसको पूरा रिकॉर्ड करके देता हूं, अपनी बात रिकॉर्डिंग देता हूं, और 2 साल बाद उसे अपने बच्चे को लेकर के कोई दिक्कत आई तो उसको फोन करके पूछता है कि, या उसकी मदर पूछती है कि सर ऐसे ऐसे करके बात आ रही, मैंने बोला वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए एक बारी, देखिए आज वाली प्रॉब्लम का सलूशन मैंने बताया हुआ है क्या, वो दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के फिर मुझे मैसेज करते हैं सर सलूशन मिल गया, बात खत्म। मैं बताने की जरूरत ही नहीं है, व्हेन यू नो द पार्ट ना, अग्नि का धर्म है जलाना, पानी का धर्म है गीला करना, वो अपने धर्म को पालन करेगा ही करेगा। आपके बच्चे को अभी आप केमिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे, एक किसी एटम का जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से उसका रिएक्शन होगा, एसिड के साथ ये होगा, बेस के साथ ये होगा, पानी के साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, सब पहले से डिजाइंड डिफाइंड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका बच्चा किस माहौल में किस बात के ऊपर किस तरह से रिएक्ट करने वाला है पहले से ही डिजाइंड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, माँ बाप को केवल समझाना भर है। उसको इतना बता दें
शुरू शुरू में हो सकता है, जहां पे बातचीत नई नई शुरू होगी वहां थोड़ा सा आने में टाइम लग सकता है, बट वंस यू डेवलप योर यू एस्टैब्लिश योर मतलब रेपुटेशन कि यार ये जो बोलते हैं ये सही है, उसके बाद एक भी पेरेंट ऐसा नहीं है जो आपकी बात मानने से मना कर देगा। कोई भी मेथोडोलॉजी टीचिंग की हो, इससे इसके साथ मतलब इरेलेवेंट ही है कि अगर सही इसका सही फील्ड ऑफ लाइकिंग आइडेंटिफाई हो गया बच्चे का, तो बाद में कोई भी मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग में वो प्रोग्रेस कर सकता नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी काम को इसलिए नहीं कहते, जैसे मैं आपको बताता हूँ, घर में तीन लोग हैं, बच्चे ने डिफाइन कर लिया कि मुझे पापा की बात नहीं माननी है, उसने दिमाग में सोच लिया। अब वो बैठा है टीवी के आगे, अचानक से उसके दिमाग में आया कि बहुत देर हो गई है और मैं पढ़ लेता हूं अब, और उसने टीवी बंद कर दिया और वो उठा और पढ़ने के लिए चलने लगा। पहला कदम टेका ही था कि पापा ने टोक दिया कि थोड़ा सा पढ़ लेना, सारा दिन से टीवी के आगे बैठा है। फिर टोक दिया, उधर ही बैठ जाएगा, अब मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, क्योंकि उसने बोल दिया तो नहीं करूंगा। मतलब आप बात सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये पूरी प्रोसेस का आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है? यस, आई हैव द कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब, सब कुछ, किताब भी लिखी हुई है पेरेंटिंग पे मैंने। okay. अभी वो पब्लिश नहीं किया बट रखा हुआ है, और जब हमें जरूरत पड़ेगी तब टीचर साहब प्रोवाइड करेंगे, मतलब एनालिस्ट। हाँ, एनीथिंग जो आपको, देखिए बेस्ट क्या रहता है, आपको जब जरूरत पड़ेगी अपने स्कूल के लिए तो आपके स्कूल में से ही तैयार करेंगे हम लोग, बाहर से लेके आएंगे तो आप डिपेंडेंट रहेंगे। हम क्या प्रोसेस को अपनाएंगे कि ये लाइफ टाइम चलता रहे, तो आपके पास अपने रिसोर्सेज डेवलप रहें और आप जब जरूरत पड़े हमारा यूज कीजिए, अदरवाइज अपना ही एक परमानेंट सिस्टम तैयार कीजिए, आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना पड़े। वी जस्ट वॉन्ट टू मेक अ सिस्टम, क्रिएट अ सिस्टम, नॉट टू मेक यू डिपेंडेंट ऑन मी। अहिया जे बैठा छे पेरेंट्स अने दादाओ, एमने मारी एक रिक्वेस्ट छे કે પોતાના સંતાનો માટે જો આ કરાવી શકે ને તો આ મુદ્દા ઉપર એડવાઇસ લે। એક મારા મિત્ર છે, એના દીકરાને વર્ષોથી સમજતા નહોતા, નામ જાહેર નહીં કરું, પછી દેવેન્દ્રજી સાથે એમણે કંઈ ચર્ચા કરી અને એને દીકરાને અભ્યાસ કર્યો તો એ કઈ ટાઈપની પર્સનાલિટી છે એના પપ્પાને સમજાવવામાં આવ્યું, તો એના પપ્પાને 90% ડાઉટ્સ એના દીકરા માટે ના હતા એ ક્લિયર થઈ ગયા, આઈ એમ વિટનેસ। હું એક નાનકડા એક્ઝામ્પલ તમારી સાથે શેર કરું, એ બંધ કરી દેને જરા।